अभी पता नहीं क्या सी रहा है। शर्मा का आप कब सोते हैं? सर मैं वैसे यूजली रात में 10:30-11 बजे सो जाता हूँ, हाँ और रमज़ान में टाइमिंग यही है कि फजर पकड़ने के बाद सोता हूँ। अच्छा चले। अभी तो इमरान भाई आप भी अभी रमजान में तो कोई मसला नहीं है ना, फिर देखते हैं बाद में। अच्छा जी, हमें मामला क्या करना है कि ये जो हमारा है, देखिए हमारी मेन जो क्लासेस है ना उसमें पढ़ाई हो रही है और आपको सिखाया जा रहा है नई नई चीजें। ये जो है इसमें हम प्रोजेक्ट्स करेंगे और कोडिंग करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले ये बात है कि किस टाइप के एप्लीकेशन बनाएंगे। अच्छा, कोई कौन अपना वो खोल रहा है? अमीन भाई आप खोल रहे हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट और जी शेयर करते हैं। जी मैं करता हूँ। अच्छा सर, उसामा भी है। सर उसामा आप करना चाहेंगे शेयर? आप कर लें। यस श्योर, मैं कर दूँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। जी जी सर, अच्छा, अब आप ये देखें, एक चीज कहलाती है एनपीएक्स। अब ये जरा सा उसामा अगर कमांड पहले दिखाइए बच्चों को। आपके पास विंडोज ही है ना? जी मेरे पास विंडोज है सर। अच्छा, तो विंडोज पे दिखाएं कि आप कमांड लाइन कैसे खोलेंगे। अच्छा, विंडोज़ पे कमांड लाइन खोलने का सिंपल सा ऑप्शन होता है कि दो तीन तरीके होते हैं। पहला तो तरीका ये होता है, आपके कीबोर्ड पे एक विंडोज़ का बटन होता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आप जैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे CMD लिखें और एंटर कर दें तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास ओपन हो जाता है। अच्छा जी, खुल गया। अब ये जरा सा दिखाइए एनपीएक्स फायर क्विज, अगर कोई लिखे तो क्या होगा। इस टाइप की एप्लीकेशन हमें बनानी है। ये कुछ डाउनलोड हो रहा है, पहले उसने यस जी सर, पूछा। जी जरा सा कमेंट्री करते जाएं उसामा भाई। जी सर, बेसिकली जब हम एनपीएक्स फायर क्विज करते हैं तो ये होता है क्या, बेसिकली एनपीएक्स का मतलब है नोट पैकेज एग्जीक्यूटेबल या एग्जीक्यूट। ये करता ये है कि ये जो आपके जो नोट जेस के या एनपीएम के जो पैकेजेस होते हैं ये उसको रन टाइम पे अपने पास लाता है और इसको इंस्टॉल करने की स्पेसिफिक जरूरत नहीं होती, और ये डायरेक्ट जो है वो आपकी CLI पे रन कर देता है। अच्छा, ये कोई इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्ट रन कर गया इसने। आपने क्विज ये जो आपने चलाया तो फिर डायरेक्ट रन कर गया। जरा सा इसको चला के दिखाएं। या श्योर सर, व्हाट इज़ योर नेम प्लेयर, तो मैं इसको नाम देता हूँ उसामा फॉर एग्जांपल। जैसे सो अभी ये मुझसे पूछा था जावास के पास क्रेडिट इन 10 डेज रिलीज्ड ऑन, तो मैं इसको एक आंसर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो अभी ये मुझे बताएगा कि मैंने आंसर सही सिलेक्ट किया है या गलत। गेम ओवर, यू लोज उसामा। सो इट्स एन गेम एप्लीकेशन बनी हुई थी और ये छोटी सी एप्लीकेशन है जो हम एनपीएक्स के जरिए चला सकते हैं, सिलाई पे यूज़ कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट पे। यार अच्छा, तो हमें क्या करना है कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें हम इनपुट भी ले रहे हो और इसी तरह हम इनवोक भी कर सके। हमारे सारे स्टूडेंट्स का कैलकुलेटर होगा, वो सारे अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे, चला के देखेंगे। शो शो मारना तो डेवलपर का काम है, वरना मजा कहाँ आएगा। सही अच्छा सर, अच्छा ये तो हम आस्ते आस्ते सीखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाना है। बिल्कुल सर। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास आई अच्छा होप सर कि आप सब उसामा, मुझे बता। अभी मैंने क्या देखा, मैं छोटा सा एक आपकी वाली चीज को रिपीट कर रहा हूँ। आपने कमांड लिखी एनपीएम क्विज, और बदले में उसने आपने अपना एक क्विज अटेम्प करा इसी कमांड के ऊपर। मतलब आपके पास एक एप्लीकेशन आ गई कमांड पर ही, उसने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, या तो आप विन कर गए या तो आप लूज कर गए। तो यस ये तो बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन हो गई। तो इसका मतलब हम कमांड लाइन एप्लीकेशन भी बना रहे हैं जो कमांड पे चलनी है। पहले तो हम ब्राउजर पे चलाते थे, मोबाइल में चलाते थे, या पीएस प्ले स्टेशन में चलाते थे, तो अब हम कमांड में भी चला रहे हैं। तो ये जबरदस्त काम हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा काम हो गया। और ये अभी हम इस एप्लीकेशन को देखने वाले भी हैं और एक छोटा सा सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे भी, तो हम देखेंगे उसमें कि हम किस तरीके से वो एप्लीकेशन चला सकते हैं अपने पास। अच्छा जी, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी बनानी है। तो यस मुझे सर याद सा पड़ रहा है कि एनपीएम इनिट नामी कोई चीज है, वो क्या होता है? जी सर, मैं यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करता हूँ। सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना है जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो
प्रोजेक्ट का नाम है, वो हमारे पास होगा कैलकुलेटर, या हम कर देते हैं उसको सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। अब जब ये आपके पास एक सिंपल फोल्डर बन जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सीएमडी खोलने के डिफरेंट तरीके होते हैं, दूसरा तरीका आप सीएमडी खोलने का ये है कि आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसी में सीएमडी ओपन हो जाए, तो ये आपके पास जो एड्रेस बार आ रही होती है, इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सीएमडी लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो ये आपके जो फोल्डर है उसके अंदर भी सीएमडी ओपन कर देता है। अब यहाँ पे सर ने सवाल ये किया है कि एनपीएम इनिट क्या होता है। बेसिकली एनपीएम इनिट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को हमें जिसमें नोड जेस, जावास्क्रिप्ट या कोई मॉड्यूल बनाना हो, उसको इसलिए इस्तेमाल करनी हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले एनपीएम इनिट करते हैं। एनपीएम का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। वो अपना एक पैकेज इनिशलाइज करता है जिसकी बेसिस पे हम आगे सारी वर्किंग करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो इस वक्त मैं यहाँ पे कमांड रन करूँगा, और उस कमांड से मुझे यहाँ पे इस वक्त जैसे ही मैं इस कमांड को npm init लिखूंगा टर्मिनल पे और एंटर करूँगा, तो ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि आपके पैकेज का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक एप्लीकेशन बन रही है, तो हम उसको पैकेज कहेंगे, तो हम बताएंगे कि हमारी एप्लीकेशन का नाम है सिंपल कैलकुलेटर। ये बाय डिफॉल्ट जो है, जो आपके फोल्डर का नाम होता है वही सिलेक्ट करता है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हैं, तो हम इसको सिंपल कैलकुलेटर ही जाने देंगे। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है आपके एप्लीकेशन का वर्जन क्या होगा, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन के डिफरेंट वर्जन होते हैं, जैसे आप लोगों ने सिस्टम में VS Code इंस्टॉल किया होगा तो उसके भी वर्जन लिखा हुआ आता है, नोड जिस इंस्टॉल की होगी उसका भी वर्जन लिखा आता है, तो हम अपनी एप्लीकेशन का वर्जन बता सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो वर्जन है वो 1.0.0 है, बाय डिफॉल्ट हम इसी पे जाने देंगे। आप चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर विथ टाइप स्क्रिप्ट नोड डॉट जे एस एंड इंक्वायरर। अब इंक्वायरर क्या है, हम इसके बारे में बाद में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर आपसे पूछता है ये एंट्री पॉइंट क्या है। बेसिकली एंट्री पॉइंट ये होता है कि जहाँ आपका ये पैकेज या एप्लीकेशन चलेगी उसकी सबसे मेन फाइल कौन सी है, जो आपकी ये जो पैकेज की फाइल अभी बनने वाली है ये चेक करेगा आपके फोल्डर में जाके। तो हम बता रहे हैं कि बाई डिफॉल्ट इसकी जो फाइल होगी वो इंडेक्स डॉट जे एस होगी। एंटर करते हैं। कोई टेस्ट कमांड्स हैं? नहीं, हमारे पास टेस्ट नहीं लिख रहे। हम गेट रिपोजिटरी है हमारे पास फिलहाल नहीं है। कोई कीवर्ड्स आप ऐड करना चाहते हैं इस पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है। ऑथर कौन है? फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मोहम्मद ओसामा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ अभी। और लाइसेंस यहाँ पे ISC होता है यूजली हम, लेकिन जब इसको पब्लिक करें तो MIT लाइसेंस यूज़ करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे MIT कर देता हूँ। और ये पूछेगा कि ये मैं फाइल आपके सिस्टम में पैकेज डॉट जेसन के नाम से बनाने वाला हूँ, आपके फोल्डर के अंदर सिंपल कैलकुलेटर के नाम से जो था, ये उसका वर्जन होगा, ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी इंडेक्स डॉट जेएस की मेन फाइल होगी, क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो मैं इसको एंटर करूंगा तो ये फाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट कर देगा। नाउ सेकंड थिंग इज के हम इसको किस तरीके से अपने फोल्डर को, ये जो हमने अभी बनाया इनिशलाइज किया है npm हमने, तो हम इसको किस तरीके से खोल सकते हैं। इसको खोलने का बहुत आसान तरीका है, अगर आपने अपने सिस्टम में VS Code ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो सिंपल सा आप यहीं पे रहते हुए कोड स्पेस डॉट लिखेंगे। कोड स्पेस डॉट लिखने से ये होता है कि कोड का मतलब है VS Code और डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी। इसी करंट डायरेक्टरी का जो फोल्डर है वो आपके VS Code पे ही ओपन कर देगा। जब आप एंटर करेंगे, तो ये इसने आपके पास एक कैलकुलेटर का जो प्रोजेक्ट था वो खोल दिया, और हमने अभी npm init किया था तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल हमारे पास मौजूद है, वो यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है और आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। जी सर। जी अमीन भाई, ये जरा सा ये पैकेट और जेसन क्या बला क्रिएट हो गई? ये तो बड़ी कोई हाँ कॉम्प्लिकेटेड सर, चीज लग रही है। उसामा भाई ने माशाल्लाह से दो चीजें हमें बताई हैं। एक तो कल हमने VS Code खोला था कोई और तरीके से, आज उसामा भाई ने बड़ा एक शॉर्टकट तरीका बता दिया कि आप अपने फोल्डर में गए, वहीं पे आपने CMD खोला और वहीं पे एक नई कमांड बताई है उन्होंने, कोड स्पेस डॉट, उससे डायरेक्ट आपका VS Code वहीं पे खुल गया जहाँ पर आपने काम करा था। दूसरे नंबर पे ये जब हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, हमारा तो फोल्डर ब्लैंक था जब हमने फोल्डर उसामा भाई ने बनाया था, वो तो ब्लैंक था, लेकिन ये पैकेट डॉट जेसन इसमें क्या आ गया? तो उससे पहले आप देखें, हुसैन भाई ने एक स्टेप चलाया था, वो स्टेप आपको डिफाइन भी करा है। तो होता क्या है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि अभी हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो उस कोड का नाम क्या होगा, उसका वर्जन क्या होगा, उसकी छोटी सी हमारी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसकी हमारे पास फाइल का नाम क्या होगा जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा उसमें और मजीद क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि लाइसेंस आ गया और अभी हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसको आप ऐसे समझ लें कि
आपने अपने पास एक प्रोग्राम चलाना है, तो उस प्रोग्राम की ना आपने एक डिटेल फाइल देनी है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, कि वो प्रोग्राम है क्या, उसकी डिटेल क्या है और उसमें किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट है वो। जैसे अगर मेरे पास बाइक भी आती है ना, तो बाइक मुझे पता है पेट्रोल पर डिपेंडेंट है, ऑयल पर डिपेंडेंट है, इसके अलावा हेलमेट चाहिए मुझे और क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे, थोड़े ग्लव्स चाहिए, तो बाइक का पूरा सूट चाहिए चलाने का, सही है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के ऊपर भी चीज़ें डिपेंडेंट है जब हम प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये एक ऐसी फाइल है जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है उसके बारे में, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है जितनी भी डिटेल है वो लिखी हुई। और ये बनी कैसे, अभी सर उसामा ने एक कमांड चलाई थी npm init की। जब सर उसामा ने npm init की कमांड चलाई तो उसने कुछ सवाल पूछे, सवाल में उसने एक चीज़ पूछी नाम, तो अब नाम देखें यहीं पे लिखा हुआ, जो नाम उसामा भाई ने वहाँ बताया था सिंपल कैलकुलेटर यहाँ लिखा हुआ, उसामा भाई ने एक वर्जन भी बताया था वो भी यहाँ लिखा हुआ, खुद आ गया वर्जन। एक डिस्क्रिप्शन लिखी थी उन्होंने छोटी सी, जैसे होता है ना अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई बाइक आपने मुझे दिखाई तो ये है क्या, आप बताओगे यार ये 70 की बाइक है और इसमें पेट्रोल डालो तो ये चलती है, ये छोटी सी उसकी डेफिनेशन होगी। तो इसी तरह सारा ने कहा है भाई एक कैलकुलेटर हम बनाएंगे और उसकी एक डेफिनेशन लिख दी। फिर साथ साथ उन्होंने एक फाइल का नाम बता दिया कि ये फाइल के अंदर हम कैलकुलेटर बनाएंगे। फिर साथ साथ उन्होंने लाइसेंस एक बता दिया, MIT लाइसेंस समथिंग, तो कुछ डिटेल्स शेयर कर दी। जी फैसल भाई ये बताइए ये इनिट से क्या मतलब है, मैं जब शुरू शुरू में आता हूँ ना तो बड़ा कंफ्यूज होता था ये इनिट क्या बोला है। सर इनिट बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है इनिशियलाइजेशन के लिए, जब भी आप अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है जिसको, या एक पैरामीटर है जिसको हम इनिट कहते हैं। इनिट बेसिकली इनिशियलाइजेशन को डिनोट करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो पैकेज और जेसन फाइल बनी है इसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें आइडेंटिफाई कर दी हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, उसका वर्जन क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, अगर उसको आपने सेल्फ एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो कौन सी फाइल वो जाके ढूंढेगा जिसके थ्रू उसने इसको एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद जो है अगर उसके अंदर कोई टेस्ट स्क्रिप्ट से कुछ तरह की चीजें हैं, ऑथर कौन है उस प्रोजेक्ट का, और लाइसेंस, लाइसेंस एक ऐसी चीज है जो अभी तो शायद इतना ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे और जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को शेयर करेंगे तो उसके अंदर जो है लाइसेंसिंग जो है एक बड़ा की फीचर होता है जिसकी बेस पे आप अपने कोड को ग्लोबली प्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो भी लीगल मामला होते हैं उन लीगल मामला को उस लाइसेंस के अंदर डिफाइन कर देते हैं, तो उस कोड को कौन यूज कर सकता है, अगर उस कोड के अंदर कोई चेंजेस कर रहा है तो उस चेंजेस को किस तरीके से हैंडल करना होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर और जेसन की फाइल के अंदर डिनोट कर देते हैं। अच्छा अमीन भाई ये हम ये करें कि ये दो लोगों ने हाथ खड़े किए, इनके सवाल के जवाब देंगे या हम आगे चलें? सर एक का हम सवाल ले लेते हैं क्योंकि हाथ फिर स्टूडेंट ज्यादा है, राहत बानो, लेकिन मैं अनम्यूट करने से पहले बोलूंगा प्लीज रेलेवेंट सवाल करें जो टॉपिक चल रहा है, ऐसा नहीं हो कि टॉपिक कुछ चल रहा है सवाल आप कुछ लेकर आए, क्योंकि हमारे ख्याल रखना है सबके टाइम का, सबके टाइम की इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। सही है, तो मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ राहत बानो को। अच्छा राहत बानो आपका तो स्पीकर ही कनेक्ट नहीं है, तो आप कैसे अनम्यूट होंगे, और कोई हैंड रेस है नहीं? सही है तो मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया है जिसमें हमारे पास कुछ डिटेल्स मौजूद हैं, बट हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि हमें टाइप स्क्रिप्ट पढ़नी है, हमें टाइप स्क्रिप्ट पे काम करना है, तो हम वो काम कैसे कर सकते हैं? तो अब हमारा सेकेंड काम ये है कि हम टाइप स्क्रिप्ट अपने जो प्रोजेक्ट हमारा बना है इसमें हम कन्फिगर करेंगे ताकि हम टाइप स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकें। उसको इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है, वेरी सिंपल। एक तो आपका जो ये VS कोड खुला है इसको हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें आपके पास टर्मिनल या CMD भी मौजूद होता है। खोलने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल सा है, कंट्रोल और एस्केप के नीचे एक साइन होता है जो वेव बना हुआ होता है, इसको टिल्ड भी कहते हैं, टिल्डे भी कहते हैं, अगर आप उस पर आप इस तरीके से लेके जाएंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा इजिली। बट मैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन मेरे पास छोटी है तो इस वजह से मैं इसको सिंपल ही रखूंगा कि यहाँ पे नहीं यूज़ करूँगा, CMD मैंने ऑलरेडी ओपन की थी उसी में यूज़ करूँगा ताकि हम आराम से देख सकें, विजिबिलिटी क्लियर हो सके। ये वही CMD मेरे पास इस वक्त यहाँ पे ओपन है, सेम डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास मौजूद है सिंपल कैलकुलेटर के नाम से। तो यहाँ पे आप मुझे टाइप स्क्रिप्ट इनिशलाइज करनी है अपने सिस्टम में। अब टाइप स्क्रिप्ट इनिशलाइज करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है, वो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इस क्लास में हम एक कमांड रन करेंगे जिसकी बेसिस से हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, TSC --init। आप कमांड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लें, TSC --init। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये टाइप स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में ऐड हो गई है यहाँ पे, tsconfig.json के नाम से। अब हम इस फाइल को देखते हैं, इस फाइल में है क्या।
जब हम इस फाइल में आते हैं टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन के नाम से, तो आपके सिस्टम में टाइप स्क्रिप्ट इस्तेमाल करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट ने अपनी एक फाइल बना दी है जिसकी मदद से आप टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे और वो कोड जब आप रन करेंगे वो इन दी एंड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सी फाइल है जिसको हम यूज करेंगे, लेकिन इस फाइल के अंदर हम कुछ चेंजेस भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइन नंबर 13 पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट। टारगेट का मतलब ये है कि आप जो टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं वो कौन सा वर्जन लिखने वाले हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जावास्क्रिप्ट जब आई थी वो बहुत ही प्रॉब्लम्स के साथ थी और उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। जैसे जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट इवॉल्व होती चली गई वैसे वैसे प्रॉब्लम्स उसमें रिजॉल्व होते चले गए। तो इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट चल रही है वो ES 2022 चल रही है। हम क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं जो लेटेस्ट है, तो हम उसको सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे ES 2022। एक काम तो हमने ये कर दिया। सेकेंड थिंग, हमारे पास ये पूछ रहा है कि मॉड्यूल जो है वो कॉमन जेस रखना है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आपकी फाइल्स कन्वर्ट होती हैं या मॉड्यूल्स में बनती हैं तो उस वक्त आपके पास वो कॉमन जेस में रखना चाहते हैं, जो बेसिकली आपका जो एल्गोरिथम बिहाइंड द सीन काम कर रहा है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर का, या आप बताना चाहते हैं कि भाई कि कोई भी नया जो मॉड्यूल मेरे पास आए या कोई भी नई मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट में चेंजेस आए तो वो उसके साथ कॉम्पैटिबल हो जाए और खुद ही चल जाए। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं नोड नेक्स्ट। इससे हमें फायदा ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई नोड का नेक्स्ट जो भी हमारे पास एल्गोरिथम आएगा जो टाइप स्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर रहा होगा जावास्क्रिप्ट में और चला रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ कंपेटेबल हो जाएगा। थर्ड थिंग इज के हमारे पास एक यहाँ पे लाइन नंबर 30 पे एक लाइन कमेंट हुई हुई है, और अनकमेंट हम इसको करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मॉड्यूल रेजोल्यूशन करवानी है, क्योंकि जो हम कोड लिखेंगे हम उसको रिजॉल्व भी करवाना है, उसको टाइप स्क्रिप्ट में से जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे या आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसके जो ये स्पेस है इस तरीके से ये जो आप फॉरवर्ड स्लैशेस लगे हुए थे दो, इसको आप रिमूव कर दें। मॉड्यूल दूसरा तरीका ये होता है कि आपके वो पहले नोड जीएस के पुराने तरीके थे, बताता हूँ कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश होता है वो आप अभी आप उनको मालूम होने की जरूरत नहीं है नए बंदे को। हमने क्या किया कि नोड जीएस जावास्क्रिप्ट में जय मॉड्यूल वो टाइपस्क्रिप्ट ने अडॉप्ट कर लिया नया मॉड्यूल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का। अभी हम आगे चल के देखेंगे, अभी आपको बहुत समझ में नहीं आएगा, मगर आगे चल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये कर लें कि ये चीज रट लें कि आपने क्या क्या किया। ऊपर आपने 2022 किया, जरा से दिखाइएगा सामा जी सर। ऊपर आपने 22 कर लिया, लेटेस्ट कर लिया, और नोड नेक्स्ट और नोड नेक्स्ट ये दो बना दिए। अभी आप इतना से बच जाए, और असल में जो पुराने नोड जीएस के डेवलपर है ना उनको फिर समझाना पड़ता है कि नया मॉड्यूल। आपको तो हम पहले दिन से शुरू से ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मॉड्यूल सिखाएंगे जो लेटेस्ट है, तो पुराने वाले पे गौर करने की जरूरत नहीं है, आपने नोड नेक्स्ट ही से शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच सर। जब आप इस फाइल में आप काम कर लें दैट इज फाइन, यहाँ तक आपका टाइप स्क्रिप्ट कन्फिगर हो चुका है। आखिरी चीज जो आपको अपने सिस्टम में कन्फिगर करनी है इस वक्त आपका टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट चलाने के लिए, वो है आपके पास पैकेट डॉट जेसन की। जब आप फाइल में आते हैं, जब आप पैकेट डॉट जेसन की फाइल में आते हैं, क्योंकि जो पहली वाली फाइल थी टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन वो टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड थी, हमने टाइप स्क्रिप्ट की कन्फिगेशन कर दी, लेकिन इन दी एंड हम ये शुरू से बात आपको बता रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट का कोड कंपाइल हो जाता है जावास्क्रिप्ट में, ट्रांसफाइल हो जाता है जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सारा कोड चल रहा होता है। तो हमें जावास्क्रिप्ट के जो ये मेन फाइल है हमारे पास नोड जेएस की, ये जावास्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करती है। हमें बताना है कि ये प्रोजेक्ट है किस तरह का, ये प्रोजेक्ट एक मॉड्यूल की तरह है। इसको भी आप लोग याद कर लें ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप टाइप लिखेंगे, सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे कॉमा लगा हुआ होगा, एंटर करें, स्ट्रिंग ओपन करें या डबल कोट्स ओपन करें, यहाँ पे आप लिखें टाइप, टाइप लिखने के बाद कॉलन लगाएं और फिर दोबारा डबल कोट के अंदर यहाँ लिख दें मॉड्यूल। इसका मतलब ये है कि ये एक मॉड्यूल की तरह काम करेगा और ये हम वहाँ चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अपना ये अपना फैसल फैसल भाई अच्छा भाई, इसको मैं ऐसे बोल दूं, जैसे शुरू में मैं बाइक की बात कर रहा था कि मेरे पास बाइक आई, उस बाइक के ऊपर मेरे पास इंस्ट्रक्शंस थी कि भाई इस बाइक को मैं रोड पे चला सकता हूँ, अपनी पर्सनल कैपेसिटी के लिए यूज कर सकता हूँ, दो बंदे इस पे बैठ सकते हैं, इसमें पेट्रोल डलेगा, इसमें हेलमेट लगेगा, सारी किट लगेगी। अब मैंने एक बात और बोल दी, मेरे पास बाइक तो आ गई लेकिन मैंने जाकर
परमिशन लिए, जो भी इदारा है सारा ट्रैफिक कंट्रोल करता है, मैंने उनको ये कहा है कि इस बाइक को मैं पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, अब से ये बाइक मैं यूज़ करूँगा फूड पांडा के लिए। सही है, तो जाहिर सी बात उन्होंने एक एडिशनल स्टेप ऐड कर दिया, ठीक है भाई ये बाइक को हम इजाज़त देते हैं कि ये बाइक कमर्शियल है, अब से ये फूड पांडा के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पहले क्या प्रॉब्लम थी, बाइक तो थी लेकिन वो कमर्शियल नहीं थी, तो उसको मैं किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता था, बल्कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकता था। अब आपने क्या करा, आपने उसी बाइक के इंस्ट्रक्शंस में जो हमें मिली थी उसमें आपने क्या करवाया, आपने जाके एक रूल ऐड करवा दिया कि अब जो ये बाइक है ये डिलीवरी करेगी, मतलब ये दूसरे लोगों के काम भी करेगी। तो वही आपने कोर्ट के साथ करा कि आपको इस कोर्ट का जो डिफॉल्ट मिला था जब आपने पहली बार क्रिएट करा तो उसमें सारी चीज़ें थी बल लेकिन इसके पास मॉड्यूल नहीं थे। तो आपने क्या करा, आप उसकी फाइल में गए, फाइल में जाकर आपने ये कॉमा लगाया, उसके बाद इंटर के बटन से आपने खाली लाइन के अंदर डबल कोटेशन टाइप लिखा, फिर आपने कोलन का साइन लगाया, फिर आगे आपने मॉड्यूल लिख दिया, मतलब आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस में एक नई चीज ऐड कर दी। क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं? अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, आई मीन इट इज रियली गुड। अच्छा मैं ये सवाल पूछ रहा था ये, तो और उसके अलावा आपने एक और काम करा? नहीं आप बोलिए। जी सर सॉरी, अच्छा साहब भी इसके अलावा आपने एक और काम करा है, आपने पहले जो कमांड चलाई थी क्या मैं कमांड आप नोट पैड पे बता सकते हैं दोबारा? आपने दो कमांड चलाई। मैं कमांड्स बता सकता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ, दो कमांड्स मेरे पास। जो पहली मैंने कमांड चलाई थी वो चलाई थी npm init, ओके और जो दूसरी मैंने कमांड चलाई थी वो tsc स्पेस डैश डैश init। ओके अच्छा थोड़ा जूम कर देंगे, मेरे पास थोड़ा जी देख लीजिएगा आप। सही है, ठीक है। अच्छा जो पहले वाली जब आपने फाइल चलाई तो उसने आपसे कुछ सवाल पूछे, नाम, डिस्क्रिप्शन, एक्स वाई जेड, चार पांच सवाल पूछे, आपने जवाब दे दिए, आपके पास पैकेट डॉट जेसन आ गई। तो जब आपने दूसरी कमांड चलाई तो उसने आपके पास कौन सी फाइल क्रिएट करी है? पहले जी, वाली जो पैकेट डॉट जेसन, जब दूसरी मैंने कमांड चलाई तो इसने जो फाइल क्रिएट करी वो ts config.json है, क्योंकि हमने अच्छा टाइपस्क्रिप्ट इनिशियलाइज किया अपने प्रोजेक्ट में। ओके 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 तो अब हम इसको ये समझ लेते हैं कि हमारे पास पहले बाइक आई, फिर बाइक का ड्राइवर आया, जब ड्राइवर आया तो ड्राइवर के नहीं हमने नीचे वाली कमांड चलाई, ऊपर वाली बाइक आ गई। तो ड्राइवर जब आया तो ड्राइवर जो है पुराने दौर का था, हमने उसको क्या करा, हमने उसकी पूरा चार्ट लिया, हमने कहा ड्राइवर की फाइल आ गई, ड्राइवर की फाइल है, एक बार दिखाएं, ड्राइवर किस रहा था बाइक को जो चलाएगा, फाइल दिखाएं। तो हमने देखा ड्राइवर जो है वो थोड़ा पुराने मॉडल का है, तो उसको नए दौर की बात नहीं पता। तो हमने सबसे पहले काम क्या करा, लाइन नंबर 14 पे टारगेट जो आपने लिखा हुआ है इसके अंदर कुछ और लिखा हुआ था, आपने 2016 लिखा हुआ था शायद, ऐसा ही है ना? तो जो जी आपने ऐसा ही है, 2016 पे डाल के 2022 कर दिया, मतलब आपने नए दौर के हिसाब से उसको ट्रेन कर दिया। फिर आपने देखा ऐसा ही नीचे है। दो चीज़ें और थी जो पुराने दौर के हिसाब से थी, तो आपने तो उसको पहले कहा कि भाई अब जो है रूल अपडेट हो गए, अब रूल अपडेट ये हो गए कि अब जो फूड पांडा हम जो डिलीवरी करेंगे वो सारी नोड नेक्स से करेंगे, तो मॉड्यूल का नाम आपने नोड नेक्स कर दिया। फिर साथ साथ में आपने एक मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो पहले से लिखी हुई थी उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा और बना दिया। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अभी हमने पैकेट डॉट जेसन में चेंज करा था उसी तरीके से हमने टी एस कॉन्फिग में चेंज करा। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन फाइल है, इंस्ट्रक्शन में हमने जाहिर सी बात है हमने पुराने दौर 2016 के हिसाब से था, जब हम उसको 2022 पे लाए तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो वो चीज़ें तीन है इसमें, एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल रेजोल्यूशन है और एक उसका टारगेट है, वर्जन है, वर्जन है, यस। टारगेट है, ठीक है। तो तीन चीज़ें यहाँ चेंज हुई हैं और एक चीज़ पैकेट डॉट जेसन में चेंज हुई है, तो ये दो मतलब दो चेंजेस हुई हैं। जी ये दो चेंजेस हुई हैं अमीन, और ये दोनों चेंजेस जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको हमेशा आप याद कर लें अपने साथ, आप ये ज़रूर करेंगे आप। अब हमारे ठीक पास प्रोजेक्ट है, तो आगे चलने से पहले ओसामा मैं सब सोच बता दूं, हम आपको इस प्रोजेक्ट का जो ये ओसामा का कोड है वो मेक अवेलेबल नहीं करेंगे, आपने अपने हाथ से लिखना है ये सब, वरना कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको मैं अमीन भाई अगर सारा कोड जिप करके दे दें तो फिर कुछ फायदा नहीं होने वाला इस सारे प्रोजेक्ट का। इस फायदा प्रोजेक्ट का जब ही होगा जब अपने हाथ से कोडिंग करेंगे। फैसल भाई जरा सा इनको बताइए कि हाथ से कोडिंग करने क्यों जरूरी है? सर एक चीज होती है मसल मेमोरी, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं ना तो मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपको पता होता है कि मेरे दाएं हाथ के ऊपर ब्रेक है, लेफ्ट हैंड के ऊपर क्लच है, मेरे जो पांव है उसके अंदर राइट के ऊपर ब्रेक है और लेफ्ट के ऊपर जो है वो गियर है। सो ये आपकी मसल मेमोरी होती है कि अगर मुझे ब्रेक दबानी है तो ब्रेक दबाने के साथ मुझे गियर डाउन करना है तो मुझे कौन सा पांव यूज करना है। तो जब आप हाथ से कोड लिख रहे होते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो आपको सिंटेक्स याद होना शुरू हो जाता है,
और जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो आपके हाथ उस सिंटेक्स के ऊपर जो है वो परफेक्टली काम कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये कि जो मेजर जो आप APIs यूज कर रहे होते हैं वो APIs आपको याद होना शुरू हो जाती है, तो हर दफा आपको जाके जो है वो इंटरनेट पर सर्च करने की जरूरत नहीं है कि फलानी API क्या काम कर रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस API को 10 दफा 12 दफा 15 दफा 100 दफा यूज कर चुके हैं, तो आपको पता है कि इसके इनपुट पैरामीटर्स क्या है और आउटपुट पैरामीटर्स क्या है। तो प्रैक्टिस जो है वो आपकी मसल मेमोरी को जो है वो एनहांस करती है, और आप जो है वो फिर अभी तो आपको ये नई चीज लग रही है कि ये मैंने NPMI चलाया, मैंने जो है वो TSCNet चलाया, ये कर क्या रहा है, बट द मोमेंट आप 4-5 प्रोजेक्ट जब कंप्लीट कर लेंगे तो करने के बाद जो है ये आपकी जो है ना वो समझ लेंगे मसल मेमोरी में चला जाएगा, और जैसे ही आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी और फिर उस फाइल के अंदर मुझे क्या क्या चीजें कंफर्म अपडेट करनी है, तो वो बेसिकली एट द बैक ऑफ द माइंड जो है वो याद रह जाएगा बार बार आपको। और ऑब्वियसली अभी आप जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, आगे जाके अगर आप कोई और IDE भी यूज करते हैं तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, वो भी आपको अपनी मसल मेमोरी के अंदर प्रैक्टिस करते करते जो है वो आपको याद हो जाएंगे। जबरदस्त फैसल भाई, जबरदस्त। उसामा आप शुरू कर रहे थे आगे। जी सर, थैंक यू एंड थैंक यू फैसल भाई। अब जब हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया है तो अब हमें यहाँ पे एक फाइल की ज़रूरत है जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे, और हम शुरू से इस बारे में बात करें तो जब हमारे पास फाइल होगी वो हमारे पास लाजमी सी बात है एक फाइल जो प्रोग्रामिंग फाइल होगी वो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होगी। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं या काम करते हैं, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देखता हूँ कि आप कोई नई बुक खरीदते हैं, जब आप तो बुक जब आप जैसे ही खोलते हैं तो आपको आप उसका इंडेक्स पेज पढ़ते हैं, इसलिए कि उसमें उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। इस तरीके से आप जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर भी हम इंडेक्स की एक फाइल बनाते हैं जिसमें वो मेन फाइल होती है उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही होती है और उससे बहुत सारी फाइल्स कनेक्टेड होती हैं। तो हमारे केस में आज हम इसको सिंपल रखेंगे और index.ts की एक मेन फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपके पास जो यहाँ पे एक्सप्लोरर आ रहा है लेफ्ट साइड पे VS कोड का, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फाइल लिखा हुआ आता है, आप यहाँ से फाइल बना सकते हैं index.ts। एक तरीका ये है, मैं इस फाइल को दोबारा डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने बना के डिलीट कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का साइन आ रहा है, ये सिंपल कैलकुलेटर जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं, इस वाले प्लस को क्लिक कर देते हैं, ये वाला प्लस फोल्डर या डायरेक्टरी बनाता है, इस पे हमने क्लिक नहीं करना, यहाँ पे फोल्डर भी बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और इस वाले पे अगर आप आइकन पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक फाइल बनी हुई, सिंपल सी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक मेन फाइल बनाएंगे index.ts। ये आप सिंपल फाइल बना दी आपने, अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है कि आपने अपने सिस्टम में किस तरीके से कोड लिखना है और किस तरीके से चलाना है। इसको चलाने के लिए अभी कुछ देर पहले जब मैं npm init कर रहा था उस वक्त मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी इंक्वायरर, कि इंक्वायरर क्या है। बेसिकली आप जब इस एप्लीकेशन को चलाएंगे तो चलाते वक्त आपको यूजर से इनपुट लेना है। यूजर कौन है? जो भी इस्तेमाल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं यूजर हो सकता हूँ, सर जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो यूजर हो सकते हैं। तो जब हमें यूजर से एक कैलकुलेटर बनवाया, जब हमने बनाया है उससे हमने यूजर से उसका इनपुट लेना है कि आप हमें इनपुट दें और इनपुट बताएं कि आप कौन कौन से नंबर्स के साथ क्या काम करवाना चाहते हैं। जैसे हम सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, 10 करते हैं फिर प्लस करते हैं फिर 10 करते हैं तो हमारे पास आंसर 20 आ जाता है, इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट की दुनिया में टाइपस्क्रिप्ट की दुनिया में एक पैकेज मौजूद है, एक मॉड्यूल मौजूद है जिसका नाम इंक्वायरर है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके दिखाऊँ तो आपको अंदाजा होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंक्वायरर और इसके आगे मैं लिखता हूँ npm, तो ये इंक्वायरर एक पैकेज है जो ऑलरेडी पहले से किसी ने बनाया हुआ है आपको CLI पे कमांड लाइन इंटरफेस पे इनपुट लेने के लिए यूजर से। ये बना बनाया पैकेज मौजूद है, इस पैकेज को हमें अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है कि हम इस पैकेज की मदद से यूजर से इनपुट लेंगे और अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे। आप यहाँ पे राइट साइड पर देख रहे होंगे ये कोड लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। npm अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। जैसे अभी हमने inquirer.js देखा, इसी तरीके से आपका भी एक अपना पैकेज बन जाएगा बाद में जो यहाँ पे npm पे रखा होगा। npmjs.com एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, यहाँ से हम इस मॉड्यूल को या पैकेजेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और चला सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट की खूबसूरती है कि आपको जितना कोड चलाना है, जो फंक्शनलिटी आपको अपने कोड में लेकर आनी है वो ऐड करते हैं और वो चला लेते हैं। सर यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है या मैं ऐसे आगे बढ़ूँ? मैं ये पूछ रहा था कि देखिए ये लिखा हुआ 30 मिलियन, ये क्या चीज है?
और ये सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन 2.16 है, ये क्या चीज है? जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 30 मिलियन, इसका मतलब ये है कि ये हर वीक में 30 मिलियन जो है यहाँ से ज़्यादा जो है डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हर वीक में 30 तकरीबन यहाँ पे 3 करोड़ से ज़्यादा मरतबा ये डाउनलोड हो रहा है हर वीक के अंदर। इट मीन्स कि ये पैकेज इतना पॉपुलर है कि जो भी लोग दुनिया में कोडिंग कर रहे हैं इस वक्त वो इसको 3 करोड़ से ज़्यादा मरतबा डाउनलोड कर रहे हैं एक वीक के अंदर। और ये जो वर्जन है इसका मतलब ये 9.2.6, यही ये वही वर्जन है जो अभी हमने कुछ देर पहले अपने सिस्टम में बनाया था, क्योंकि हम भी एक मॉड्यूल बनाने वाले हैं, हमारा वर्जन 1.0.0 है, लेकिन ये अपने कोड को इम्प्रूव करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि इनका जो एक्चुअल वर्जन है उस वक्त 9.2.16 है जो हम इस वक्त इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर एक और बात समझ में नहीं आ रही, जी सर, npm आपने init कमांड दी थी और ये ऐसा लग रहा है कि npm js ये वेबसाइट है, इन दोनों में क्या चक्कर है ये? जी सर, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। npm init जो कमांड है वो बेसिकली आपकी ये काम करती है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर नोड जेस या जावास्क्रिप्ट इनिशलाइज करती है, जो आपका प्रोजेक्ट रेडी करती है चलाने के लिए। और npm js जो है ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जैसे आपने एक पैकेज बनाया इस जैसे बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं और आप npm js की वेबसाइट से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए कमांड इस्तेमाल होती है, उस कमांड का नाम है npm i inquirer। आप जो इंस्टॉल करते हैं मैं आपको कमांड लाइन पे दिखा देता हूँ उसको चला के, सिंपल सा ये मैं कमांड लाइन पे आता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपल सी npm स्पेस i, i का मतलब होता है इंस्टॉलेशन, मैं इसको कंप्लीट में इंस्टॉल भी लिख सकता हूँ, इट्स अप टू यू, दोनों ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे आपको उस पैकेज का नाम लिखना होता है जो आपने बनाया है। हमारे केस में जो अभी हमारा पैकेज है वो हमारा सिंपल कैलकुलेटर है, ये हमारा पैकेज npm js पे अवेलेबल हो सकता है लेकिन हम अभी अभी अवेलेबल नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम बना रहे हैं इसको। इसी तरीके से जो हमारे पास पहले से एक बना हुआ पैकेज है जो यूज़र से इनपुट लेता है CLI के थ्रू, वो इंक्वायरर है। इंक्वायरर को हम एक यहाँ पे इसी तरीके से कॉपी कर लें, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे पेस्ट कर दें npm i inquirer। जब आप एंटर करेंगे यहाँ पे तो उसामा ये भाई क्या कर रहा इतना है, जी ये आपने किस डायरेक्टरी में किया? उसी डायरेक्टरी में किया जिसमें project.json? सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस डायरेक्टरी में आपके पास आपका प्रोजेक्ट है और प्रोडक्ट डॉट जेसन की फाइल मौजूद है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल मौजूद है, उसी डायरेक्टरी में रहते हुए आपने ये काम करना है, वरना ये कहीं और इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे शुरू में सर अमीन ने भी एक्सप्लेन किया, सरजिया ने भी एक्सप्लेन किया कि ये एक प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल है पैकेज डॉट जेसन, इसी के अंदर रहते हुए हमें काम करना है ताकि हमारी लाइब्रेरीज और जो हमारा कोड है वो ट्रैक हो सके कि हमने क्या क्या इसके लिए इस्तेमाल किया है। हमने एक डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी या मॉड्यूल कह सकते हैं अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल किया है और इसी डायरेक्टरी में हमने इंस्टॉल किया। अगर आप देखें तो मेरे पास सिंपल कैलकुलेटर मौजूद है और इसने मेरे सिस्टम में मेरी डायरेक्टरी के अंदर सिंपल कैलकुलेटर में इंक्वायरी। अच्छा, आपने ये कहा कि डिपेंडेंसी, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? जी सर, डिपेंडेंसी का मतलब यही होता है कि जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त कराची में हूँ, मुझे यहाँ से अगर लाहौर जाना है तो मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई ना कोई कन्वेंस यूज़ करनी पड़ेगी, कोई ना कोई मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं हवाई जहाज से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, इसी तरीके से इसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि यूज़र से इनपुट लेंगे सिलाई के थ्रू, तो हमारे पास डिपेंडेंसी है इस पैकेज की जो हमने अभी इंस्टॉल किया अपने पास। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है हमारा इस लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट है, इस जो हमारे पास जो मॉड्यूल या पैकेज है इंक्वायरर के नाम से, इस पर डिपेंडेंट है जो हमने अपने सिस्टम में अभी इंस्टॉल किया है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है, हमारा प्रोजेक्ट इस पर डिपेंडेंट है, इसके बगैर नहीं चलेगा। तो अगर मैं इसकी आपने इसकी जब विजुअल npm रिप्रेजेंट, npm i जी सर, इंक्वायर किया तो इसका क्या इफेक्ट हुआ? सर जैसे ही मैंने npm i इंक्वायरर किया अपने सिस्टम पे तो उसने क्या किया कि मेरे सिस्टम में जाके मेरी जहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फाइल थी वहाँ पे इसका पूरा मॉड्यूल डाउनलोड कर लिया। कैसे किया सर, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आप देख लें कि आपके पास ये टर्मिनल पे आउटपुट आ रहा होगा कि 66 पैकेजेस एंड इंस्टॉल इसने कर दिए, मतलब ये जो इसकी फाइल्स और पैकेजेस थे वो सारे इसने अपने आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिए। अब ये हैं कहाँ पे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप अपने कोड में जाएंगे और अगर आप कोड में आके देखेंगे तो आप पैकेट डॉट जेसन की फाइल को दोबारा चेक करें, यहाँ पे आपके पास एक डिपेंडेंसीज के नाम से एक चीज़ ऐड हो गई होगी, यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है
जिसमें आपके पास इंक्वायरर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि पैकेज डॉट जेसन हमारे प्रोजेक्ट को ये बात बता रहा है कि ये डिपेंडेंसी मौजूद है, इसका होना ज़रूरी है, इसके साथ ये प्रोजेक्ट चलेगा। और इसका कोड आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका कोड जो है वो आपके पास जो एनपीएम है वो यहाँ पे रखता है नोड मॉड्यूल्स के अंदर। एक फोल्डर उसने अपने पास खुद ही बनाया है नोड मॉड्यूल्स के नाम से। हम बात करें ना बार बार के मॉड्यूल है, कहीं और भी इंस्टॉल हो सकता है। अगर आप लाइन नंबर 6 पे देखें, यहाँ पे टाइप मॉड्यूल हमने भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से इनके कोड में भी टाइप मॉड्यूल कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, तो एज अ मॉड्यूल हमारे पास ये इंस्टॉल्ड हो सका है। और अगर हम इसको खोलेंगे तो इसमें बहुत सारा कोड है, इसमें हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है वह इस वक्त उसमें इंक्वायर इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, इसको मॉड्यूल से मैं वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले जाऊँ, मॉड्यूलर अप्रोच। मतलब हम लोगों ने अपने घर के आसपास का भी, हम गुजरते हैं रोड से, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, तो कोई ना कोई पुल बन रहा होता है, पुल होता है ना, ब्रिज। जी तो हम देखते हैं वो ब्रिज बनता कैसे है, कि वहां पर जब वो ब्रिज बन रहा होता है तो ब्रिज के जो ऊपर के कॉलम्स होते हैं, जो रोड होता है पूरा, वो अलग से लेकर आते हैं गाड़ियों में, मतलब बना बनाया लाते हैं और लगा देते हैं। तो लाइक ऐसा हो गया ना कि उन्होंने पुल बनाना था किसी जगह पर, एक चौरंगी थी वहां पर एक पुल बनाना था, लेकिन वो हर चीज उन्होंने क्रिएट नहीं करी, कुछ चीजें वो बनी बनाई लाए और लाकर लगा दी। तो वो एक मॉड्यूलर हो गया, मतलब के फोर्थ फुट, अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ, घर में जो ब्लॉक लगाने मुझे ना, दीवार बनानी है, तो ब्लॉक मैं बाहर से खरीद के ला रहा हूँ, मैं खुद नहीं बना रहा ब्लॉक। तो कैसे? जो बाहर से मैं चीजें खरीद के ला रहा हूँ, तो इसका मतलब है एनपीएम, एनपीएम को मैंने बोला, मतलब एनपीएम कौन है, जो दुकानदार है, सही है, उसको मैंने बोला मेरे पास ये ब्लॉक पहुंचा दो। तो इंक्वायरर जब वो ब्लॉक हो गया, उसने मेरे पास जितने मैंने ब्लॉक बोले उसने मेरे पास पहुंचा दिया, और मैंने उठाकर उसको लगा दिया। ऐसे तो मेरे पास बनी बनाई चीज कहीं और से आ गई, मेरा टाइम बच गया, मैंने खुद बनानी, मैंने ब्लॉक में बनाता कितना टाइम लगता है, उसको बनाता, उसको सुखाता, 10 उसके प्रोसेस होते हैं। हमने क्या करा, हमने ब्लॉक वाले की शॉप से ब्लॉक खरीद लिया। इसी तरह पुल की अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पुल के जो बीम्स होते हैं पूरे जो ऊपर लगे हुए, उसका मैं नाम नहीं मालूम मुझे, तो वो उन्होंने बने बनाए मंगवा लिए, वो ट्रक के अंदर या कंटेनर के अंदर किसी तरीके से आए, और उन्होंने क्रेन यूज करके उसको वहां पर फिट कर दिया। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर है कि सर, उस सामान है, इंक्वायरर जो है, इंक्वायरर जो भी काम करेगा हम देखेंगे, वो काम ना पहले से दुनिया में किसी ने करा हुआ था। तो सर, उस सामान ने कहा, जब किसी ने ब्लॉक बनाया हुआ है तो मैं क्यों बनाऊँ, मैं उससे बने बनाए ब्लॉक खरीदूँ, मेरा घर की दीवार जल्दी बनेगी। तो सर, उस सामान ने क्या करा, एनपीएम को बोला कि भाई आप जो ना मेरे पास वो ब्लॉक ला के दे दो जो पहले से बना हुआ है, मतलब इंक्वायर ला के दे दो जो किसी ने पहले से बनाया हुआ है, अब मैं बनी बनाई चीज इस्तेमाल कर लूंगा, और जब बनी बनाई चीज इस्तेमाल करूंगा तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो जहाँ जो एनपीएम है ना, ये समझ लें ये एक वेयर हाउस की तरह है, जिसके पास सारा सामान मौजूद है। अब हम भी अगर कुछ अपना बनाएंगे ना, हम बेचना चाह रहे हैं, फॉर सपोज हमने कहा यार हमने एक नया कोड बनाया, हम चाह रहे हैं, फॉर सपोज ऐसे कर सकते हैं कि मैंने अपने घर पे एक वॉलपेपर बनाया, अच्छा था, खूबसूरत सा, अब मैं चाह नहीं रहा कि वो मेरे घर की हद तक रहे, मैं चाह रहा हूँ दूसरे लोग भी उस वॉलपेपर को यूज करें। तो मैंने क्या करा, मैंने ये जो एनपीएम है, एनपीएम हमने बताया ना गोदाम है, इसको हमने सारे बनाकर दे दिया, हमने कहा और भी कोई जाकर लगाना चाहता है तो एनपीएम से मंगवा के ले ले। अब हमारे पास, हमारे घर पे तो हर कोई नहीं आएगा ना यार, आपने वॉलपेपर बनाया था, कैसा बनाया था, कैसे हुआ था। हमने क्या करा, हमने बनाकर उसको दे दिए गोदाम वाले को, और गोदाम से बाकी दुनिया लेती रही। तो एनपीएम की एग्जाम्पल गोदाम वाली हो गई। अगर टेक्निकल वर्ड में हम समझे तो एक हमारा रजिस्ट्री है, रेपोजिटरी है, रजिस्ट्री जिसपे सारी लोगों के सामान रखे हैं, जावास्क्रिप्ट के जितने भी पैकेजेस हैं वो इस पे रखे हैं। तो सर, सामान ने क्या करा, वही पैकेज अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब हम ये देखेंगे इसका काम क्या है। थैंक यू वेरी मच अमीन फॉर एक्सप्लेनिंग विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बहुत अच्छी थी है। अब हमारे पास इंक्वायरर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो चुका है। मगर उसामा, हम आगे जाने से पहले ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 9.2.16 तो समझ में आ रहा है कि उसका वर्जन बता रहा है, ये टिल्डा सा, ये कैप सा जो लगा हुआ है आगे, पहले ये क्या बकवास है? हाँ सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्जन तो 9.2.6 है, ये जो कैप लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे पास कोई लेटेस्ट वर्जन आएगा, इसका मेजर रिलीज आएगी। फॉर एग्जांपल इसका वर्जन हमारे पास आता है, लेटेस्ट वर्जन आता है 10 हो जाता है, 10.2 हो जाता है, तो हमारे पास जब भी हम ये, क्योंकि सिस्टम में हमारे पास एज अ पैकेज इंस्टॉल हुआ है तो ये पैकेज अपडेट भी हो सकता है। तो जब कोई, फॉर एग्जाम्पल, एक साल बाद आपने मेरा कोड लिया और आप एक साल बाद इस कोड को चला रहे हैं, और हो सकता है कि उस वक्त 9.2 ना हो, उस वक्त 10.2 हो, तो ये इस वक्त हेल्प आउट करेगा कि आपको जो लेटेस्ट वर्जन होगा रजिस्ट्री में पड़ा हुआ, वो वहां से लेटेस्ट वर्जन लाएगा और फिर डाउनलोड कर देगा आपके पास। सही है, जबरदस्त। तो यानी ये खुद ब खुद अपडेट भी कर लेगा, हम जारी बातें इसको कमांड देनी पड़ेगी, मगर अपडेट कर लेगा। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। डिपेंडेंसीज में अच्छा, आके देखेगा। सॉरी सर, आप कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा था कि
कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि npm नोड पैकेज मैनेजर दूसरों की लाइब्रेरी को मैनेज करता है और हमें भी हेल्प करता है। तो npm हमने जब नोड इंस्टॉल किया तो npm उसने खुद इंस्टॉल कर दिया। ये समय मैं सही बात कह रहा हूँ जब npm? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा, अब जब npm इसने खुद इंस्टॉल कर दिया तो अब अगला स्टेप है npm की कमांड हमने इस्तेमाल की इनिट करके, क्या करने के लिए कि वो एक डायरेक्टरी को नोड का पैकेज बना दे, यानी नोड जेएस का वो पैकेज बन गया। कैसे? पैकेज और जेसन बना के, ये उसने बना दिया, आपसे कुछ सवाल पूछे और बना दिए। फिर आपने क्या किया कि npm एक रिपोजिटरी भी है, यानी एक लाइब्रेरी भी है। आपने क्या किया, npm से कहा कि इंक्वायरर लाइब्रेरी प्लीज जो आपने इंटरनेट पर रखी हुई है मुझे लाके दे दो। तो उसको देखने के लिए आपने वेबसाइट दिखाई, वो कहाँ दिखाई आपने, दिखाइएगा दोबारा। सर मैं दिखा देता हूँ, ये रही वो वेबसाइट। ये इंक्वायरर की वेबसाइट है जो npm की लाइब्रेरी के अंदर, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें छोटी छोटी लोग किताबें रखते हैं, यानी प्रोग्राम लिख के डाल देते हैं। तो इस लाइब्रेरी से मैंने कहा कि वहां से मुझे लाके इंक्वायरर मेरी मशीन में इंस्टॉल कर दो। अमीन भाई यही बात है कि जी हमने सर, क्या किया, वहां से जाके अपने पास इंस्टॉल की और हमारे पास नोड मॉड्यूल्स के अंदर उसने लाके इंस्टॉल कर दी हमारी डायरेक्टरी में। अच्छा, वो भी हमने किसको कमांड दी, npm i inquirer। तो उसने क्या किया, वहां से गया जो एक इंटरनेट पे लाइब्रेरी है npmjs.com पे, वहां से इंक्वायरर डाउनलोड किया और आपकी नोड मॉड्यूल्स में लाके इंस्टॉल कर दिया। अब आप दूसरे की पैकेजेस को, दूसरे की लाइब्रेरी को, दूसरे के प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीन भाई ये रिवाइज कराना चाहें तो? हमारा टाइम बच गया ना, वरना ये जो इंक्वायरर अभी सर सामा करके दिखाएंगे, इंक्वायरर करेगा क्या, वो वहाँ वो बड़ा इंटरेस्टेड होगा तो इंक्वायरर करेगा क्या। अगर हमें दूसरे लोग मदद नहीं करते तो ये चीज़ हमें बनानी पड़ती, और जब हम बनाते हमें टाइम लगता, हमें टाइम बच गया हमारा। एक npm आया, npm ने कहा भाई मैं जो हूँ वो वेयर हाउस हूँ, मतलब मैं एक सेंट्रलाइज एक जगह बना रहा हूँ, जितने भी लोग अपना जावास्क्रिप्ट पे नोड जेएस पे काम करेंगे मेरे पास आके रखवा दें, उसको मैं एक नाम एक वर्जन दे दूंगा ताकि जब कोई लेना है तो नाम हो ना, वर्जन बनना तो मिलेगी नहीं कुछ। और जब भी कोई यूज़ करने जाता है तो उसने कमांड दे दी कि आप अपने पास नोड जेएस इंस्टॉल करो, npm init का प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बाद ये npm i और जो भी उसका नाम है वो लिख के इंस्टॉल कर दो। अगर आपको नहीं मिले तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन है जो अभी सर सामने खोली हुई थी वहाँ पर भी आप जाके ढूंढ सकते हो। जब आपने उसको इंस्टॉल करा तो उसके साथ साथ उसका वर्जन भी आ गया, और साथ साथ उसके वर्जन के साथ एक कैप भी लगा दिया कि अगर फ्यूचर में कोई वर्जन अपडेट होता है, होता है ना कि भाई मैंने फॉर सपोज मार्केट से ना कोई चीज़ खा मंगवाई, मैं ऐसे समझ लेता हूँ मैंने हेडफोन बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मैंने मार्केट से मंगवा लिए, अब मुझे हेडफोन में बहुत पसंद है, एक साल बाद मैं सेम हेडफोन मंगा रहा हूँ लेकिन अब मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी ने उस हेडफोन में कोई नई मॉडिफिकेशन कर दी और नए वर्जन के साथ आ रहे हैं। अब मैं तो बोलूँ मुझे वही चाहिए जो मैंने एक साल पहले खरीदा था, अब कंपनी तो जाहिर सी बात है टाइम टू टाइम अपना आपको अपडेट कर रही है, वाले तो हेडफोन थोड़ी देगी, वही वाले होंगे, थोड़ी सी नई चेंजेस हैं तो मतलब वर्जन अपडेट हो गया। तो इसमें कैप लगा हुआ, इसमें ये कहा हुआ है कि भाई थोड़ा बहुत अगर आगे आके अपडेट आती है तो उसका हमें मसला नहीं है, आप अपडेट वाला हमें दे दो। तो फ़ायदा हमें ये हो गया कि हमें बनी बनाई चीज़ मिल गई, हमें बनाना नहीं पड़ी, और यहाँ पर वो खुद ब खुद जैसे हमने स्टोर करी उसकी डिपेंडेंसीज में आ गया कि ये इसके डिपेंडेंट है, मतलब किसी और की कोई और चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो होगा क्या कि अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ, घर पर मुझे दीवार बनानी है तो मैं डिपेंडेंट हूँ कि मुझे ब्लॉक बाहर से लाना है, तो वो डिपेंडेंसी यहाँ पर है कि इंक्वायरर आपने बाहर से आप लेकर आए। थैंक यू वेरी मच सर अमीन सजिया फॉर एक्सप्लेनिंग, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझाया इसको। तो यहाँ से जब हम प्रोजेक्ट इनिशलाइज कर लेंगे और इंस्टॉलेशन कर लेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ से काम स्टार्ट होता है कि हम कोडिंग करना शुरू करेंगे। जब हम कोडिंग करना शुरू करेंगे तो उसमें हमारे पास एक फ़ाइल बनी हुई है index.ts के नाम से, ये हमारी मेन फाइल है। अब हम काम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया उसको अपनी फाइल में इम्पोर्ट करना भी ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है
के फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ बाहर से ऑर्डर करी, मेरे पास घर में आ गई, लेकिन मुझे घर में आने के बाद उसको अपने पास ला के इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी फाइल में अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और इम्पोर्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल सी कमांड कोड होता है, सिंटेक्स होता है, वो हम लिखते हैं इम्पोर्ट, उसके बाद जो नाम हमारे पास लाइब्रेरी का है हम वो लिखेंगे, हमारे पास जो पैकेज का नाम है वो है इंक्वायरर। कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे? फ्रॉम इंक्वायरर। जब आप ये लिखेंगे इस लाइन पे तो ये आपको बोलेगा कि इंक्वायरर आपके पास, इंक्वायरर से जो है वो आप इंक्वायरर इंपोर्ट कर लें। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे जो इंक्वायरर पूरी लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमारे पास पहले से किसी ने काम करके रखा हुआ है, उसका कोड इसके अंदर मौजूद है और वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये बताएगा कि यहाँ पे बता रहा है इंक्वायरर इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यूज नेवर यूज। इसका मतलब ये है कि इंक्वायरर आपके आपने डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपने अभी तक अपने कोड में इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये हम बार बार कह रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट जो होती है वो टाइप डेफिनेशन होती है, स्ट्रांगली टाइप होती है, उसके टाइप्स डिफाइन होती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि साथ में एक और चीज़ आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, वो है npm i स्पेस माइनस माइनस सेव माइनस डेफ एट द रेट टाइप्स इंक्वायरर। अब ये क्या चीज़ है, पहले मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि काम किस तरीके से कर रही है। आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से, और इसी तरीके से उसी फोल्डर के अंदर, क्योंकि मेरी cmd ऑलरेडी ओपन है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इसको सेव करूँगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर आपने लास्ट टाइम npm i सिर्फ इंक्वायरर लिखा था, इस बार आपने क्या किया ऐसा ही है। तो अगर आप इसके कमांड पे आएंगे तो आप ये देखेंगे डैश डैश सेव माइनस डेफ। इसका मतलब ये है कि आप इसको सेव तो करें लेकिन आप सेव इसलिए करें क्योंकि मुझे अपने कोड में सिर्फ जब कोडिंग करनी है, टाइप स्क्रिप्ट मेरी उसी वक्त हेल्प आउट कर रही होती है, इन दी एंड तो वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो इंक्वायरर पूरा पैकेज किसी ने बनाया है, टाइपस्क्रिप्ट बेस पे बनाया हुआ है, किसी ने टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हुए बनाया है हमारी तरह, तो उसके अंदर कुछ टाइप्स भी डिफाइन है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इस प्रोजेक्ट को उसकी टाइप्स भी चाहिए उसको चलाने के लिए, तो हमने उसकी टाइप इंस्टॉल की है। और जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, अगर आप पैकेट डॉट जेएसएन की फाइल में आए तो यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक थी डिपेंडेंसीज और दूसरी यहाँ पे एक और चीज ऐड हुई है, वो है डेव डिपेंडेंसीज। अब आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर ये डेव डिपेंडेंसीज क्या है और किस तरीके से काम करती हैं। डिपेंडेंसीज वो होती हैं जब आपका प्रोजेक्ट फाइनल बन जाता है उसको चलाने के लिए वो चीज़ ज़रूरी होती हैं। डेव डिपेंडेंसीज वो होती हैं जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, बनाते हुए किसी चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जब वो बन के फाइनल होता है उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो कंटिन्यू करें, फिर वरना मैं आगे लेके चलता हूँ उसको सर। अच्छा, ये एग्जाम्पल वही हो गई ना कि हमें द्वार पे एक वॉलपेपर, क्या बोलते हैं हम उसको, एक फ्रेम लगाना है। फ्रेम में पिक्चर है, तो फ्रेम लगाने की नहीं है। मैंने क्या करा, फ्रेम लगाने के लिए मैंने फ्रेम मंगवा लिया कि भाई मुझे द्वार पे एक फ्रेम लगाना है, एक कैनवा लगाना है, एक डिजाइन होता है ना, आर्ट, किसी ने आर्टिस्ट ने आर्ट बनाया। तो लगाने के लिए मैंने एक कील भी मंगवा ली। अब मेरे पास कील भी आ गई, मेरे पास फ्रेम भी आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, द्वार पे लगाने के लिए मुझे चाहिए हैमर, हथौड़ा। अब जब तक हथौड़ा नहीं होगा तो उसको मैं द्वार में लगाऊंगा कैसे? लेकिन हथौड़ा हर वक्त द्वार पे तो नहीं लगा रहेगा। द्वार पे क्या चीज लगी रहेगी? एक कील लगी रहेगी और एक उसके कील के ऊपर एक फ्रेम लगा होगा। लेकिन हथौड़ा जो आएगा मजदूर के नहीं आएगा, वो थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल होगा जब वो लग रहा है। तो हुआ क्या, उसने हथौड़ा लिया, हथौड़े से कील को द्वार में फिट करा और अपना जो भी फ्रेम लगाना लगाया, हथौड़ा वापस ले गया। तो हथौड़ा ऐसा नहीं है कील के साथ लगा रहेगा। तो इसीलिए कोडिंग में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं हथौड़े वाले काम की नहीं, जो उसी वक्त चाहिए। मतलब जब आप काम कर रहे हैं ना, उसी वक्त आपको हथौड़े का या हैमर का यूज़ है, उसी वक्त आपने उसको यूज़ करा और आप उसको अपने साथ ले गए, बाद में उसका इस्तेमाल नहीं है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ डेव डिपेंडेंसी है कि इंक्वायर जब यूज़ हुआ तो इंक्वायर के साथ साथ उसको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो उसका मजदूर के काम की है। हथौड़े वाला केस था, मतलब हम डेवलपर हैं तो हम मजदूर हो गए ना, तो हमारे काम की नहीं चाहिए थी, तो वो हमने अलग से स्टॉल करी। जब हमने अलग से स्टॉल करी तो देखा उसने यहाँ रखी भी अलग है। इसने क्या है, डिपेंडेंसी और एक है डेव डिपेंडेंसी, मतलब मजदूर वाली पार्ट्स, और ऊपर उसने लिखा हुआ परमानेंट पार्ट्स जो लगे रहेंगे द्वार में। साहब भाई ऐसा ही है? ऐसे ही है सर। और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, देख रहे और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखे। अब हम अपने कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जब हम मेन इंडेक्स डॉट टीएस की फाइल में आएंगे, अब आप यहाँ पे आके देखें आपके पास से वो एरर जा चुका है और यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है कि आप इसको अब इस्तेमाल करें।
जब आपने इंक्वायरर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया तो उसके बाद अब आपने यहाँ से कोड लिखना ज़रूरी है। अब जब आप कोड लिखेंगे, हम लाजमी सी बात है यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हैं तो हमें उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए। अब वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी ऐसा डेटा जो हमारे पास सिस्टम में मौजूद होता है वो हम सेव करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं और बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने कोड के अंदर, हम उसको वेरिएबल कहते हैं। हम यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल कौन से, क्योंकि ये एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, मतलब जवाब जो हमारे पास यूज़र हमें देगा भी। और यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल्स टू का साइन। जब हम इक्वल्स टू का यहाँ पे साइन लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट। अवेट लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इंक्वायरर, इंक्वायरर। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले इस कोड को समझ लें फिर इसके बाद हम इसकी डिटेल में जाते हैं। इंक्वायरर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंक्वायरर के अंदर हमारे पास पूरा कोड मौजूद है, हम बता रहे हैं कि इंक्वायरर के पैकेज के अंदर एक चीज़ मौजूद है जो इसका नाम है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है यूज़र से इनपुट लेना। आप इसको कॉल करेंगे क्योंकि एक ये फंक्शन है, आप इसको इस तरीके से राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल करेंगे जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इसको लगा के आप कॉल करेंगे और यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा देंगे। आप ज़रूरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे कोड जो है वो एग्जीक्यूट होने की पोजीशन में आ गया है, लेकिन अभी हमने इसको बताया नहीं कि हमें यूज़र से क्या इनपुट लेनी है। यहाँ पे जो अवेट लगाया है मैंने, इसका मतलब क्या, अवेट का मतलब है वेट करो, रुको। इसके एग्जाम्पल देकर ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। एक क्लास है, लेट सपोज एक क्लास की रिक्वायरमेंट है कि जब टीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते। जैसे हमारे पास गवर्नर हाउस में जो क्लासेज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास है और सर अमीन क्लास में नहीं आए, तो हम सर अमीन का वेट करेंगे, पहले वो आएंगे तो फिर स्टूडेंट्स को आगे जाने दिया जाएगा ताकि वो क्लास स्टार्ट हो सके। इसी तरीके से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इस लाइन पे, लाइन नंबर 3 पे अवेट, इसका मतलब ये है कि आप इस लाइन पर रुकें, वो यूज़र से सारा डेटा लें जो अभी हम यहाँ पे कुछ देर में इसको देने वाले हैं। जब वो डेटा हमारे पास आ जाए तो फिर इससे आगे जाइएगा, उससे पहले आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे जब आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेते हैं, तो यहाँ पे अब आपको इसको बताना ज़रूरी है कि हम क्या इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ये एक एरे है। एरे एक डेटा टाइप होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप का डेटा ले सकते हैं। उसके अंदर हम यहाँ पे इस तरीके से ओपन करेंगे, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट, जिसको कर्ली ब्रेसेस कह सकते हैं। ये हमारे पास इसी तरीके से लिखा जाएगा और इसके अंदर हम बताएंगे कि अब यूजर से क्या इनपुट लेना है। हम बताएंगे यूजर को सबसे पहले कि हम बताएंगे मैसेज, हम लिखेंगे मैसेज, हम यूज़र को क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये एक एरे है, एरे के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जाने के लिए सिंपल सा काम ये करना है कि इसको मैं दोबारा मिटा देता हूँ। आप लिखते हैं यहाँ पे नाम, मैसेज की, आप बताते हैं कि क्या मैसेज आप यूज़र को देना चाहते हैं, इसको हम की कहते हैं। इक्वल्स टू लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे वो मैसेज बताएंगे जो यूजर को आप दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि जो आप नंबर लेने वाले हैं वो किस टाइप का है। आप यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे, इसी तरीके से आप बताएंगे कि टाइप आपकी जो होगी वो नंबर होगी, ठीक है। अब ये जो आपने टाइप ले ली, आप इसको जो सेव करना चाहते हैं अपने पास, जब आंसर आएगा तो किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, आप उसका नेम बताएंगे, आप उसका नेम यहाँ पे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर, एक सेकेंड यहाँ से मैं नीचे कर दूँ थोड़ा इसको। फर्स्ट नंबर आपने यूज़र से एक इनपुट ले लिया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ये कोड आप एक ही लाइन में लिख रहे होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप बड़ा इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए ना आपके पास एक पैकेज आता है वीएस कोड के अंदर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे प्रीटियर लिखेंगे, प्रीटियर, तो ये क्या करता है आपके कोड को ना अच्छी तरीके से फॉर्मेट कर देता है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ फिलहाल, ये वापस आता हूँ। तो ये इस कोड को मैंने जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद में करता हूँ यहाँ पे, तो मैं प्रीटियर कोड फॉर्मेट लिखता हूँ। तो देखें उसने मेरे कोड को क्या किया, है वही कोड लेकिन उसने लाइन ब्रेक करके साफ सुथरा लिख के दिखा दिया, ताकि मुझे कोड रीड करने में भी आसानी हो। एक ही लाइन में मैं पूरा कोड नहीं लिखूंगा, ताकि मुझ जैसे और भी डेवलपर्स हों, वो देख के उसको समझ सकें क्या हो रहा है। यहाँ तक अगर सर यहाँ तक क्लियर है या हम इससे आगे बढ़ें? सर आप हैं मेरे साथ?
अच्छा आई थिंक सर अभी आ रहे हैं। सो अमीन मैं आगे कंटिन्यू करूं? जी जी करें। अच्छा ठीक साहब है मैंने कोड लिखा है, आप इस कोड का सिंटेक्स देख लें और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हम बताएंगे कि सिंटेक्स के पीछे मकसद क्या है। सर उसामा ने एग्जैक्टली ये वाला, सर उसामा ने 3 ब्रैकेट यूज करें, तीनों ब्रैकेट यूज होगा यहाँ पर, छोटा वाला ब्रैकेट यूज करा है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट यूज करा है, उसके बाद दरमियाना ब्रैकेट यूज करा है। तो इन तीनों ब्रैकेट के जो मकसद हैं, यूज कैसे हैं, वो हम आगे जाके आपको बताते रहेंगे। अभी उन्होंने एक शॉर्ट में डिफाइन आपको बड़े अच्छे तरीके से करा है। थैंक यू वेरी मच अमीन। इसी तरीके से क्योंकि मैंने उसको अभी पहला मैसेज बताया, फिर यहाँ पे मैंने इसको एक कॉमा लगाया, इसका मतलब ये जो ये मेरी एरे थी यहाँ पे, इस एरे के अंदर मैंने एक दफ़ा तो उसको बता दिया यूज़र से क्या लेना है, अब मुझे उसको दूसरी इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। बिल्कुल वो भी मैं ऐसे ही दूंगा। दूसरी इंस्ट्रक्शन भी देने के लिए मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मैसेज कॉलन इंटर सेकेंड नंबर। इसी तरीके से मैं बताऊंगा कि उसकी टाइप क्या है, मैं उसकी टाइप बताऊंगा, उसकी टाइप भी नंबर है। उसके बाद मैं फिर कॉमा लगाऊंगा इसके अंदर क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ बार बार। थर्ड पे मैं यहाँ पे बताऊंगा इसका नाम क्या होगा, किस नाम से वो सेव करेगा, तो मैं इसको बोल दूंगा सेकेंड नंबर। सेव कर दिया मैंने कोड को। अब क्योंकि मैंने यूज़र से एक पहला नंबर और दूसरा नंबर तो मांग लिया है, अभी हमने कोड को चलाया नहीं है, कोड को बता दिया है काम हमने, लेकिन मुझे ये भी तो पूछना ज़रूरी है क्योंकि हम कैलकुलेटर बता रहे हैं कि भाई किस तरह का ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन का मतलब ये कि जो दो नंबर हैं इनके साथ आप क्या करना चाहते हैं, इसको प्लस करना चाहते हैं, इसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हम इंक्वायरर के अंदर लिखेंगे दोबारा से मैसेज, सॉरी आप उसी तरीके से सिंपल लिखेंगे मैसेज सेलेक्ट वन ऑफ दी ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एक्शन। ये आप यूजर को मैसेज दिखाएंगे, सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एक्शन। अब इसमें जो हमारे पास टाइप होगी वो टाइप हमारे पास होगी लिस्ट। लिस्ट का मतलब ये है कि जब यूजर पहला नंबर दूसरा नंबर एंटर कर लेगा, तीसरी मरतबा जब आएगा तो उसके सामने एक लिस्ट ओपन होगी। क्या ओपन होगी? उसके सामने एक लिस्ट ओपन होगी और उस लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। और ऑप्शंस किस तरीके से आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे नेम, वही ऑप्शन जो हमारे पास आएंगे किस किस नाम से हमने सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देंगे ऑपरेटर, ऑपरेटर जो भी हमारे पास यूजर सेलेक्ट करेगा वो आएगा। फिर हम यहाँ पर आखिर में बताएंगे चॉइसेस। अब यूजर को हम यहाँ पे चॉइसेस देंगे लिस्ट की शक्ल में कि आप कोई एक इसमें से सिलेक्ट करें। आप यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद फिर यहाँ पे एक एरे ओपन करेंगे और यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइसेस बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस कोड को दोबारा साफ कर देता हूँ थोड़ा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद डिटेल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन, एडिशन कॉमा लगा के दूसरा काम में करता हूँ सब्ट्रैक्शन, फिर कॉमा लगा के मैं तीसरी वाली देता हूँ मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट में मैं इसको बताता हूँ डिवीजन। तो हम यहाँ पे इस वक्त अपने कोड को बना चुके हैं और इस वक्त यूजर से हम इनपुट लेने के लिए इंक्वायरर को बता चुके हैं हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने लाइन नंबर 3 पे बताया कि हमने फर्स्ट नंबर लेना है, टाइप उसकी नंबर होगी, नेम जब वो सेव करेगा अपने पास वो फर्स्ट नेम फर्स्ट नंबर के नाम से करेगा। फिर हमने दोबारा मैसेज दिया यूज़र को और यूज़र में हमने बताया कि एंटर सेकंड नंबर होगा, मैसेज टाइप उसका नंबर होगी, फिर उसके अलावा नेम बताया उसकी किस नाम से सेव करेगा, सेकंड नंबर के नाम से करेगा। फिर थर्ड में जो हमने उसको बताया वो बताया कि मैसेज क्या सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एक्शन, कोई एक ऑपरेटर सेलेक्ट करें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या एक्शन परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म ऑपरेशन, ये अच्छा वर्ड होगा इसके लिए ज़्यादा। फिर हमने बताया कि भाई किस तरह का यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं हम, ये लिस्ट होगी और वो किस नाम से सेव होगी, वो ऑपरेटर के नाम से सेव होगी, इसमें से यूज़र कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करेगा तो वो हमारे पास सामने आ जाएगी। अब यहाँ तक हम इसको सिंपल रखते हैं, अगर हम इससे आगे जाएं तो सिंपल हम एक काम करते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग
जो आंसर हमारे पास आया हम उसको प्रिंट करवा देते हैं। ये रहा, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है आंसर जो हमारे पास ये जो इंक्वायरर ने हमें दिया वो प्रिंट करवा देना यूज़र के पास। अब आते हैं इस कोड को हमें चलाना है, तो चलाने के लिए हम शुरू से आप लोगों को एक बात समझा रहे हैं, वो ये है सबसे पहले कोड को चलाने के लिए आपको ट्रांसपाइल या कंपाइल करना पड़ता है। उसके लिए आप, क्योंकि हम नोड जेएस टाइप स्क्रिप्ट की और नोड जेएस के ऑलरेडी कन्फिगरेशन कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ TSC लिखने की ज़रूरत है सिंपल। जब हम TSC लिख के एंटर करेंगे तो आपका कोड ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं यहाँ पे आके, तो ये रहा आपके पास कोड, index.js की फाइल इसने खुद बना दी है और कोड आपका यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे हम लिखेंगे नोड और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे index.js। तो जैसे मैंने इस फाइल को चलाया तो देखें वो आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, आप पहला नंबर बताएं, मैं बताऊंगा भाई 10, आप दूसरा नंबर बताएं नंबर 20। फिर उसके बाद उसने पूछा कि सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एक्स ऑपरेशन, तो आप यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करना चाहते हैं? देख रहे हैं ये बिल्कुल CLI की जो सर जिया बात कर रहे थे उसी तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। CLI के ऊपर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, पहला एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन है, तीसरा मल्टीप्लीकेशन है, चौथा डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एडिशन पे क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो जो मुझे आउटपुट आया वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेटा टाइप है, मल्टीपल टाइप्स का डेटा, सिमिलर डेटा आप अपने पास रखना चाहते हैं वो आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखते हैं। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नंबर देखें 10 आया, सेकेंड नंबर 20 आया और ऑपरेटर हमारे पास एडिशन आया। बट अभी हमने आधा काम किया, आधा काम तो हमारा बाकी है, हमने ऑपरेशन तो परफॉर्म करवाया नहीं। सर अमीन यहाँ आपका कोई क्वेश्चन है? मैं आगे कंटिन्यू करूँ? चलें मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी सर, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ? जी, कहने का। ओके okay. अच्छा, अभी क्योंकि हम टर्मिनल पे आपको क्या आया रिजल्ट में? रिजल्ट में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया है जो हमें आंसर मिला यूज़र से, क्योंकि हमें इंक्वायरर ने एक डेटा दिया है, वो डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिया है जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर 10 है, सेकंड नंबर 20 और ऑपरेटर बता दिया यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया है। अच्छा, हम ये कोड जो लिखा हुआ है आप एक बार कोड दिखाएं। रिजल्ट हमने देख लिया। अच्छा, जब आपने कल चलाया है तो उसने आपसे सवाल पूछे, ये सब करा, तो ये देखें इंक्वायरर ने कितना जबरदस्त काम कर दिया। अब आप हमारे केस में हमने इंक्वायरर बनाया नहीं है, हमने इंक्वायरर को इस्तेमाल करा। अब जाहिर सी बात है, इंक्वायरर को इस्तेमाल कैसे करेंगे वो इंक्वायरर बताएगा, जिसने बनाया वही बताएगा ना उसकी चीज़ इस्तेमाल कैसे करनी है। तो जैसे कि हम अगर कोई मसाला भी लाते हैं खाने का, तो उस पर लिखा हुआ होता है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है खाना बनाने के लिए। तो इंक्वायरर ने भी हमें बताया कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है कोड देखकर। जब आप इंक्वायरर की वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल पर कहीं भी इंक्वायरर लिखेंगे, तो आपको मजीद बेतहाशा लोगों ने बताया होगा किस इंक्वायरर को यूज़ कैसे करना है। जैसे जब आप शान का मसाला घर लाते हैं ना, तो उससे इस्तेमाल कैसे करना है उस पर लिखा हुआ पीछे भी होता है। इसके अलावा आप किसी से अगर पूछते भी, अपने पड़ोसी से, अगर उसने भी शान इस्तेमाल करा हुआ तो बता देता है भाई इसको इस्तेमाल इस तरीके से करना है, पहले पानी गर्म करना है, फिर ऑयल डालना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मसाला पूरा डाल दो अगर आपने बनाना है, फिर नमक डालो। तो वही तरीका है कि इंक्वायरर को इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है। आप अगर इसको शॉर्ट में देखें तो सर सामने एक सेंटेक्स लिखा है। उस सेंटेक्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है ये कल्ली वाली ब्रैकेट, जो दरमियाने ब्रैकेट के नाम से हम जानते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम वो चीज़ें लिख रहे हैं जो हमारे से वो सवाल कर रहा है। आप देखें ना, सर्वसामा ने जब कोड चलाया तो उसने सवाल क्या करा, एंटर अ फर्स्ट नंबर, उसके बाद दूसरा सवाल उसने करा एंटर अ सेकेंड नंबर, फिर तीसरा उसने सवाल करा सिलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो अगर आप वाले सवाल को यहाँ से ढूंढें, तो जो जो चीज़ें मैसेज में लिखी हुई वो सब चीज़ें देखें यहाँ सवाल कर रहा है। वो सवाल के बाद जो भी उसामा भाई जवाब दे रहे हैं, सबसे आखिर में देखें वो सारा जवाब एक ही लाइन में आ गए। तो आप ही देख रहे इसने कितना ज़बरदस्त काम कर दिया कि पहले इसने 3 सवाल पूछे, पहले नंबर पर उसामा भाई ने 10 बोला, दूसरे पर 20 बोला, तीसरे में इसने ऑप्शन दिए, मतलब इसने सवाल नहीं पूछा बल्कि इसने ऑप्शन दिए, भाई ऑप्शन 4 है इनमें से एक बताओ। तो उसामा भाई ने, जैसे हम जाते हैं ना आइसक्रीम लेने तो 4 ऑप्शन बताते हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी, तो उसने ऑप्शन दिए, उसामा भाई ने बता दिया एडिशन का ऑप्शन। उसके बाद आखिर में आप देख रहे हो प्रिंट क्या करवा रहा है, 3 चीज़ें प्रिंट करवा रहा है। पहला सवाल का जवाब प्रिंट करवा रहा है, दूसरे सवाल का जवाब प्रिंट करवा रहा है उसके नाम के साथ, और तीसरे सवाल का जवाब भी प्रिंट करवा रहा है। सही है, तो तीनों चीज़ें किस में आ रही हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ रही हैं। तो अगर आप ये देखें तो कर्ली ब्रैकेट ने हमारा काम कितना आसान कर दिया कि जो जो चीज़ें हमने कर्ली ब्रैकेट में दी वहाँ पर, वो यहाँ पर सवाल बन के आ गई।
और जो जो हमने उस सवाल का जवाब दिया वो वापस हमें कर्ली ब्रैकेट में मिल गया। तो कर्ली ब्रैकेट कितनी जबरदस्त चीज है, जब हम बाद में फ्यूचर में इसको पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा इसको यूज करने में, कि इसके क्या क्या यूज कहते हैं। अभी तो हमने ये समझ लिया कर्ली ब्रैकेट का सारा जादू है, जो चीज हम उसमें देते हैं मैसेज में जो देते हैं वो यहाँ पे सवाल की सूरत में लिखा हुआ आ जाता है, नाम में जो देते हैं वो जवाब के टाइम में लिखा हुआ आ जाता है, इसके अलावा टाइप में जो देते हैं वो चीज हम उसको जवाब में दे सकते हैं, थर्ड नंबर पे जो भी हम जवाब देते हैं वो भी हमें मिल जाता है। तो कर्ली ब्रैकेट इसमें काम की चीज है सबसे ज्यादा, जो आपने गौर से देखनी है। तो यहाँ पर तीन कर्ली ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, पहला मैं आपको फर्स्ट नंबर बताया, दूसरे में सेकंड नंबर, तीसरे में उन्होंने चॉइस दे दी, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। कैलकुलेटर में भी यही होता है ना, नंबर कोई भी डालो लेकिन चॉइस होती है कि प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑप्शंस होते हैं। तो वो कैलकुलेटर वाली एग्जांपल आ गई, तो इंक्वायर ने हमारी काफी जिंदगी आसान कर दी यहाँ पर, ये तो हमें मानना पड़ेगा। यस और ये जावास्क्रिप्ट इको सिस्टम को सारा क्रेडिट जाता है कि जिसको हम सीख भी रहे हैं और आगे इंशाल्लाह काम करेंगे। जबरदस्त, इससे आगे हमारे पास अब क्या है कि अब हमने सिस्टम को ये बात बतानी है, अपने प्रोग्राम को ये बात बतानी है कि अब हमने कंडीशंस के ऊपर काम करना है। कंडीशंस क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप क्लास ले रहे हैं, अगर आप ऑन साइट स्टूडेंट हैं तो आप मार्की में आके पढ़ सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन हैं तो अभी आपको इजाज़त नहीं है। तो ये काम अगर हम किसी सिस्टम के थ्रू करवा रहे होते तो हम उसको एक बताते एक प्रोग्राम के थ्रू इस तरीके से आपने करना है और इस तरीके से आपको आगे लेके चलना है। तो उसका तरीका हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर होता है, कंडीशन इस्तेमाल होती है जिसको हम इफ एल्स कहते हैं। या तो ये काम करो या तो वो काम करो, अगर ये चीज़ आ जाए तो ये कर दो वरना वो काम कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनलाइन स्टूडेंट है तो उसको अंदर जाने दो वरना उसको रिजेक्ट कर दो। हमारे केस में क्योंकि डेटा आ गया है, अब उस डेटा की बेसिस पे हमने काम करना है, हमने सिस्टम को बात बतानी है कि आपने जिस तरह का डेटा है उसके हिसाब से किस तरीके से काम करना है। तो हम उसके लिए कुछ कंडीशंस लिखेंगे, और कंडीशंस लिखने के लिए हम इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे जो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट भी हम जिसको हम कहते हैं, हम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेटर आया है वो उस वक्त एडिशन आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ यहाँ पे इफ, और फिर इसके बाद दोबारा राउंड ब्रैकेट ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आंसर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर इस डेटा टाइप के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सेस किया इंक्वायरी डॉट प्रॉम्प्ट करके, इस तरीके से आंसर डॉट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ऑपरेटर चाहिए, और ऑपरेटर क्या चाहिए, आंसर डॉट डॉट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर यहाँ से मैं उठा रहा हूँ उस वक्त जो मेरे पास इस वक्त डेटा में आया है, ऑब्जेक्ट में आया है, और अब मैं चेक करवा रहा हूँ 3 दफ़ा इक्वल्स टू का साइन लगा के। अगर ये मेरा ऑपरेटर आया है वो एडिशन के बराबर है, मतलब जो है, तो आप एक काम करें भाई, इसके ब्लॉक के अंदर जाएं, कर्ली ब्रेसेस आपने दोबारा लगाया और खोला, अब इस कंडीशन के आप अंदर जाएं, कंप्यूटर को मैं कह रहा हूँ उस कंप्यूटर कंडीशन के अंदर जाएं, और यहाँ पे आप प्रिंट कर दें कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आप लिख दें योर वैल्यू इज, और आपने यहाँ पे वैल्यू जब लिखा तो आप उसके बाद यहाँ पे दोबारा प्लस का साइन लगा सकते हैं इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। क्यों मैं एडवांस नहीं ले जा रहा उस्मान हम यहाँ। यू जी यू सर, लिख दिया, यू और लिख दो। सॉरी सर, योर वैल्यू इज, अब आप यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताएंगे कि इसी के अंदर आपके पास आंसर के अंदर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों मौजूद हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट किस तरीके से करेंगे, आंसर डॉट फर्स्ट नंबर, और इसको प्लस करवाएंगे आंसर डॉट डॉट सेकंड नंबर। आपने क्या बताया, कंसोल लॉग में बताया कि योर वैल्यू इज आंसर डॉट फर्स्ट नंबर प्लस आंसर डॉट सेकंड नंबर। अब ये जो प्लस यहाँ पे इस वक्त है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और दो नंबर्स को प्लस करके वैल्यू दिखाएगा। हम चेक करते हैं क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। वही सिंपल सा कोड है, क्योंकि आपका कोड टाइप स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, आपने इस कोड को कन्वर्ट करना है किसमें, जावास्क्रिप्ट में, तो आप यहाँ पे आके दोबारा कमांड चलाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप यूजर से दो इनपुट लेंगे और दोनों को प्लस कर देगा वो खुद ही, जी, तो उसका मतलब यूजर के आपने साथ तो दो, एक पूरा प्रोग्राम बना दिया ये।
हाँ एक तरीके से हमने प्रोग्राम बना दिया और हमने अभी सिर्फ एडिशन कर रहे हैं हम। चलें जी चला के देखते हैं। सबसे पहले हम TSC करते हैं, इसने कोड को कन्वर्ट कर दिया होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके देखें तो ये कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, हम मैं टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में काम कर रहा था और माय मिस्टेक, शायद कोड कहाँ गया मेरा। आपका कोड TS में, अच्छा आई थिंक बाय मिस्टेक आपने JS में कर दिया। फ्रेंड्स मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि चलो मैं यहाँ पे ना, क्योंकि मेरे पास अच्छी बात स्क्रीन है, शेयर हो रही है, इसमें एक अच्छी स्क्रीन शेयर बात हो रही ये है तो कि ये मुझे लोग अभी सीख रहे हैं, और अगर कोई एरर इनके सामने आएगा ना तो इनको ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आएगी, तो ये आप लोगों के लिए तो पॉजिटिव चीज़ है। चलें तो ये तो ज़बरदस्त काम हो गया। प्रॉब्लम मुझसे ये हुई कि मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में कोड लिख दिया, वो क्योंकि मेरे पास एक स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे वहाँ पे आगे टैब नज़र नहीं आ रहे थे कौन सा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं जी इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं दोबारा कोड लिख देता हूँ जल्दी से। इफ आंसर आंसर डॉट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एडिशन, तो आप एक काम करना, कंसोल लॉक करना, योर वैल्यू इज प्लस का साइन लगाओ और आंसर डॉट फर्स्ट नंबर प्लस आंसर डॉट सेकंड नंबर, मैं दोनों को प्लस करवा देता हूँ। तो ये मैंने जल्दी से कोड लिख दिया। अब दोबारा इस कोड को मैं कंपाइल करता हूँ TSC करके। चलें मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, इसको CLS कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। नोड इंडेक्स डॉट JS, तो मुझसे पूछा फर्स्ट नंबर क्या है, मेरा 10 है, सेकंड नंबर क्या है 20 है, और फिर उसके बाद मैं एडिशन करवाता हूँ। तो मेरे पास आया योर वैल्यू इज़ 1020। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, मैंने शुरू में आप लोगों से एक बात कही थी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपने तो किस तरीके से करवाएंगे, यहाँ पे तो उसने 10 और 20 को आपस में मिला के एक साथ लिख दिया, यहाँ पे तो ऑपरेशन तो परफॉर्म ही नहीं किया उसने यहाँ पे। ये क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो आप कोड लिख रहे थे, आपने यूजर को एक आउटपुट देना था योर वैल्यू इज, उसके बाद आपने नंबर लिखा जो 10 था, फिर नंबर लिखा 20 था। जब भी आप स्ट्रिंग के साथ कोई नंबर प्लस कर देते हैं तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता उस वक्त। उस वक्त वो क्या करता है, सिंपल वो उसको ऐड कर देता है, स्ट्रिंग ऐड करता है। तो आप अगर इस चीज़ को मिटा दें 2 मिनट के लिए यहाँ से, और अगर अब चलाएं दोबारा, मैं इसको TSC कंपाइल कर देता हूँ, और आप इस तरीके से इंडेक्स और जेस करेंगे, अब मैं देता हूँ 10 और 20, तो अब आपके पास एडिशन करेंगे तो आंसर 30 आ गया। आपने इस चीज़ का हमेशा कोडिंग करते हुए ख्याल रखना है, जब आप स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हो तो नंबर प्लस नहीं करना, उसकी कैलकुलेशन आपने अलग करवानी है, कोड आपने फिर अलग लिखवाना है। अब हमारे पास यहाँ तक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एडिशन तो हो गया, लेकिन हम यहाँ पे यही काम करना चाहते हैं डिवीजन मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। तो ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास सिंपल सा हल है, क्योंकि हमने एक कंडीशन लगा दी है, इफ अगर हमारे पास ऑपरेटर एडिशन आए तो ये काम कर देना हमारे साथ, अगर ये कंडीशन ना आए तो क्या करें, एल्स हम उसके लिए यूज करते हैं एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर हम दोबारा वही चीज कॉपी कर लेंगे यहाँ से, मैं इसको इजी कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं। आंसर ऑपरेटर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे सब दे देते हैं वैल्यूज को क्या, सब्ट्रैक्शन। और इसके अब ब्लॉक में आप जाएं दोबारा तो आप यही चीज दोबारा कॉपी और पेस्ट अगर करना चाहें, सिंपल आप कर सकते हैं अपनी इजी इजी मतलब यानी कि इजी रखने के लिए, आप यहाँ पे इस वक्त जो ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे वो माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा एल्स इफ लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक दो कंडीशंस और हैं। एल्स इफ अगर हमारे पास कंडीशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, तो हम तब क्या करेंगे, तब भी हम वही सिंपल काम करेंगे, इसी तरीके से हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे, और इस वक्त जो आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे वो करवाएंगे मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए सिस्टम में आपके पास एस्टेरिक होता है, अगर आप राइट साइड पे अपने कीबोर्ड पे देखें तो आपके पास जहाँ नंबर पैड होता है उस पर लिखा हुआ आएगा, ऊपर एस्टेरिक बना हुआ होता है इस तरीके से, या आपके पास जो ABCD लिखी होती है उसके ऊपर कीबोर्ड पे नंबर्स लिखे होते हैं, जो 8 नंबर है
उसके ऊपर देखिएगा स्टार बना हुआ होता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों में से कोई भी, आप ये आपका काम करेगा मल्टीप्लीकेशन का। इसी अच्छा तरीके से साहब, मैं पूरा नॉर्मली तो हम मैथ्स में क्रॉस का साइन यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, हम मैथ्स लिखते हैं अपनी, प्लस में तो आपने नहीं, प्लस यूज करा यहाँ तो सही है, माइनस में आपने माइनस का साइन यूज करा यहाँ भी सही है, लेकिन मल्टीप्लाई में आपने क्रॉस के बजाय ये स्टार बनाया है। जी ये क्योंकि सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, ये जो क्रॉस हम लिखेंगे एक्स, ये सिस्टम इसको कंसिडर करता है, ये एक एबीसीडी का एक वर्ड है एक्स, और इसको ओके हम बेसिकली एज अ ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है स्टैटिक। ओके ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ उस लाइन के कोड को, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एल सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई डिवीजन। अब डिवीजन करने के लिए सिस्टम में हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश होता है, कि आप सिस्टम में फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपकी वैल्यू को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। हमारे पास कंडीशन आ गई कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, कि हमारे पास ऑपरेटर एडिशन है तो दो नंबर्स को प्लस कर दो, हमारे पास ऑपरेटर सबट्रैक्शन है तो दो नंबर्स को माइनस कर दो, अगर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन है तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हमारे पास ऑपरेटर डिवीजन है तो आपस में इसको डिवाइड कर दो, और वेरी लास्ट अगर इसमें से कुछ भी ना आए तो आप यहाँ पे कंसोल लॉग में लिखवा दें एल्स, मतलब इसमें से कुछ भी ना चले तो आखिर में आप प्रोग्राम को बता रहे हैं कंसोल डॉट लॉग प्लीज सेलेक्ट वैलिड ऑपरेटर। यहाँ तक आपका प्रोग्राम बनकर रेडी हो गया है, अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो आप ये कहना मेरे पास कैलकुलेटर आ गया है, मैं प्लस कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड सब चलेगा। यस, हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर आ गया है और इजीली अभी हमारे पास काम करेगा। चले मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, आप नंबर लिखेंगे, हो सकता है आपने कुछ पीछे जादू करा हो 2+2 करने के लिए, या 10+20, चलें मैं करते आपको हैं। थोड़ा मुश्किल नंबर देता हूँ। आप एक काम करें कि कंडीशन हमारे पास ये है कि 11 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 11, ये इतना मुश्किल काम कर देगा? मुझे नहीं लगता है, देखते हैं हम आप सिस्टम हमारा काम अच्छा कर आपने पाए नहीं कर पहली पाएगा। वैल्यू भी 11 दी, दूसरी भी 11 दी, और आपने चूज करा मल्टीप्लाई, तो 11 मल्टीप्लाई 11 ये बता देगा, इतनी बड़ी वैल्यू। अरे जबरदस्त, मेरा तो इतनी आंसर तो बड़ी सही वैल्यू आया है। चले और टेस्ट करते हैं ना थोड़ा सा, चलें हम ये करते और टेस्ट हैं करते हैं दोबारा क्या। वैल्यू लें, इनपुट लें, हम लिखते हैं 13 मल्टीप्लाई, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते इस बार ना, इस बार हम करते हैं 13 चलिए 0 से डिवाइड करते हैं डिवाइडेड फिर, बाय 3, मतलब पहला नंबर 13 ले लिया, अरे 0 से 0 सर से प्रोग्राम करते देख ले एरर नहीं आया, सर 0 से डिवाइड कर दो, हैं, इन्फिनिटी पे जाएगा, चलो करते 3 हैं से करते, पहले डिवीजन करें डिवीजन। अरे जबरदस्त आंसर तो सही ला रहा है, मतलब ये फ्लोटिंग में भी ला रहा है, मतलब उसके डॉट के बाद के नंबर भी ला रहा है। फैसल भाई की बात भी सुनते हैं, 13 को ना यस। 0 से डिवाइड करें। चलें भाई अभी देखें क्या होगा, इन्फिनिटी। डिवीजन डिवीजन अब सिलेक्ट ये करके इन्फिनिटी लिखते एक नए टॉपिक है, हैं। हम इसके बारे में किसी और दिन बात कर सकते हैं, क्योंकि 0 से अरे डिवीजन के बाद वो मुसलसल वो चले गया है और वो इन्फिनिटी में जाता रहेगा, कोई स्पेशल केसेस को हमें अलग से हैंडल करना ये पड़ेगा। स्पेशल स्पेशल केस नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। जब भी आप किसी एग्जैक्टली नंबर ऐसा ही को है, 0 से डिवाइड करने करेंगे तो इन्फिनिटी एरर, कैलकुलेटर में करेंगे तो एरर आ जाएगा। यहाँ पे उसने आपको इन्फिनिटी दिखा दिया, ऐसा ही है तो यहाँ सर, पे सिंपल इन्फिनिटी मतलब फॉर्मल हल ही नहीं है इसका मैथमेटिकल है। फॉर्मल रूल है, वो एज इट इज यहाँ पे अप्लाई हो। साहब माइनस भी करके दिखाए ना, हम थोड़े आपको मुश्किल मुश्किल वर्ड देते हैं, चलें माइनस कर आप लेते हैं। काम करें, आप करें 2 माइनस, पहले पहला वर्ड लें 2, फिर लें -5, 5 आ गया सबट्रैक्शन कर देते माइनस। हैं, प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड ऑपरेटर। एक प्रॉब्लम आई हमारे पास यहाँ पे, वो क्यों कह रहा है कि हमारे पास एक इशू आ गया है, और वो इशू ये आ गया है कि आपके पास प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड ऑपरेटर, हमारे कोड में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई है। कैसे इसको डिबग करेंगे अभी देख लेते हैं। एक बार और यहाँ पे माइनस हम करें ना, एक बार हो सकता है ये वैल्यू कुछ खतरनाक दी हमने, 2 5 -2 करके देखें, 5 पहले फाइव लें 2 टू बाद में लें, अब माइनस। सब्ट्रैक्शन सेम, हमारे पास कहीं कोड में एरर आ रहा है। अब वो क्या एरर आ रहा है अभी हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, रन टाइम पे भी फॉर्म बदल जाएगा। हमारे पास क्या आ रहा है कि हम सब्ट्रैक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे देखें मैंने गलती की हुई है। अगर आप गौर से देखें ऊपर जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ यूजर से वो सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे सबरेक्शन है, टी नहीं ओ लिखा हुआ मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इस तरीके से यूजर्स अक्सर मिस्टेक कर रहे होते हैं।
वो परेशान होते हैं कि सर हमारा तो कोड ही नहीं चल रहा, हमने पूरा कोड सही लिखा था, मसला क्या हो गया हमारे साथ ये। तो उसके सिंपल सा हल यही है कि दोबारा कोड को कंपाइल करेंगे और उसके बाद नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था 3 2 -5 था ना, फाइव जी, अब करते हैं सब्ट्रैक्शन तो हमारे पास -3 आउटपुट आ गया। अरे जबरदस्त रिजल्ट आ गया। तो ये तो पूरा कैलकुलेटर बन गया, ये कमांड लाइन कैलकुलेटर। चलो सर बिल्कुल एक सही काम है सर। करें, दो नेगेटिव नंबर्स को माइनस करें। हाँ चले जी, पहले -3 -3। इन लोगों से पूछते हैं सर, इंटर करने से चले आ गया। अरे चलो ये तो अच्छा हो गया ना, 0 आ गया। एक बार और कह रहे हैं, नेगेटिव -7 और -7, माइनस लगाए -7 और -11। हाँ पहले इनसे पूछते हैं कमेंट्स में ये रिप्लाई क्या आएगा। आज मैच देखते हैं लोग कितनी पावरफुल है। चलो देख ले सर। अच्छा जी, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ सारे। भर के जवाब तो आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप लोग जवाब दें। -18 किसी ने कहा, किसी ने +18 कहा, किसी ने 4 ज्यादा वाले, 4 वाले ज्यादा हैं, इनफाइनाइट वाले भी हैं, 81 वाले भी हैं। तो ये तो काफी खतरनाक मामला हो गया। एक सवाल के इतने सारे जवाब कैसे हो सकते हैं? तो सर अमीन क्या करें, हम चला के देखें? चलें देखते बिल्कुल बिल्कुल हैं, इनको भी जवाब मिल लगा, जाएगा। चलें जी चला के देखते हैं क्या आउटपुट क्या आ रहा है। सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो 4 आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा जी, फिफ्थ क्लास की मैथ्स याद करो, फिफ्थ क्लास के अंदर जब मैथ्स पढ़ी थी तो मैथ्स के अंदर क्या हुआ था जब हमने नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश की थी? कौन जवाब देगा सर, ये 4 क्यों आया? क्योंकि ये माइनस माइनस। काम करें जरा, कोड भी खोल लें साथ में। चलें जी मैं कोड खोल लेता हूँ। इनमें से हम किसी को ले उस पे, ये हैंडल्स हुए पे, तो है मैं एहसन रजा को अनम्यूट करता हूँ। ठीक और लाइन नंबर 17 और 18 को जरा गौर से देखें, तमाम स्टूडेंट जो है जरा लाइन नंबर 17 और 18 को जरा गौर से देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है। जी, एहसन रजा भाई आप आए, आप बताएं ये क्या हुआ है, कैसे आया मतलब। अच्छा आप चलेगा वापस। मैंने वापस अनम्यूट कराया था मेरा। अब्दुल्ला काशिफ को कर लेते। जी सर, जी सर, ये बताएं, हमने ये नंबर का पूरा गेम बनाया है, जी, कैलकुलेटर बनाया सर मतलब, वो मुझे जरा कमांड प्रॉम्प्ट दिखाइएगा, कमांड प्रॉम्प्ट दिखाया सर। दिखा देता हूँ। सर इसके अंदर -7 और क्या नाम है, -11 करना था, सब्ट्रैक्शन करनी थी, तो वो माइनस माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा, 11 की साइन प्लस हो जाएगी, फिर उसके बाद जो -7 और +11 जो होगा वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इससे 4 आंसर आ जाएगा, 7 -11, 11 -7 सॉरी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ, आप आए गए कॉल पे तो, अब्दुल्ला काशिफ, के जी सर, अभी हमारे पास कोड में कितने सवाल हमारे से पूछ रहा है कमांड पे, हमसे सर पहले एक फर्स्ट बार नंबर कमांड पूछ रहे, लिखे। पहले जी फर्स्ट फर्स्ट नंबर नंबर तो पूछेगा, पूरा, तो फिर सेकंड नंबर पूछेगा और फिर ऑपरेटर पूछेगा। ये वाले नाम उठा रहा है, ये कहाँ से उठा रहा है, ये पहले जो हमारे जितने कर्ली ब्रैकेट है उतने सवाल पूछ रहा है ये, आप ये कह रहे हैं? नहीं वो जो सर ऑपरेटर वाली जो लिस्ट कह रहे हैं आप, वो वाली, मतलब तीन वो कर्ली ब्रैकेट है ना वहां पर टोटल, एक ऊपर है जी, फर्स्ट नंबर का, दूसरा सेकंड नंबर का, तीसरा है हमारे पास सिलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर का ना, और टू परफॉर्म ऑपरेशन, तो तीन कर्ली ब्रैकेट है, तो ये जब ही तीन सवाल पूछ रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी सर नहीं, लेकिन हमने वो अच्छा उसके अंदर एरे बनाए हुए हैं ना, शायद इस वजह से। नहीं, सवाल तो तीन ही कर रहा है ना, वो कर्ली ब्रैकेट भी तीन है, जी जी तो जी अगर हम यहाँ पर सर, एक मेरा कर्ली एक ब्रैकेट क्वेश्चन, लगाते तो एक सवाल मेरा एक पूछता। क्वेश्चन भी था जी जी पूछे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हमने 3 बार मैसेज जो दिया है ना इसको, जी इसमें ना मैं साथ साथ कोडिंग कर रहा हूँ, लेकिन ना ये 2 बार जो मैसेज दिया तो ठीक है, लेकिन थर्ड जो दिया है इसमें, जिसमें कहा है कि सिलेक्ट वन
ऑपरेटर टू परफॉर्म एक्शन, इसमें कर्ली ब्रैकेट में एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा एरर वो क्यों आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ रीजन, दो वजह से आता है। या तो आपने जो कॉमा लगाया ना सामने लाइन नंबर 5 में, सबसे आखिर में देखें, लाइन या तो नंबर आपने ये कॉमा फाइव मिस में करा है। देखो, सही नहीं है, सर ये मैंने लगा लिया, ये पहले नहीं लगाया था लेकिन अब लगा लिया। हाँ बैरल चले गया होगा, ऐसा ही है ना। नहीं अभी भी नहीं गया, वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड, वो कॉमा ही आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड आ रहे हैं। नहीं फिर एक और लाइन एरर, नंबर इलेवन के ऊपर चेक करेंगे आपने कॉमा लगाया कि नहीं लगाया। लाइन नंबर इलेवन, नहीं लाइन नंबर इलेवन पे भी लगा लिया, लाइन नंबर 4 पे लगाया भाई, ये लाइन नंबर 4 से मरा दो, पर लाइन नंबर फोर। नहीं नहीं यहाँ नहीं लगाया। हाँ सही लगाओ लगाओ, खाता सही सही मेरा। जी सर, चला गया ये। ठीक सर है सर ऑसम। हमें जादूगर जाना चाहिए, कोर्ट देखे भाई हम सोल्व करवा रहे हैं। अच्छा थैंक थोड़ा समझा के तो जाओ, आप जा ही रहे हो तो अब आ गए तो समझा के जाओ थोड़ा कोर्ट, हमें क्या समझ में आया आपको, ऊपर से समझाओ। हाँ सर। स्टार्टिंग से सर, स्टार्टिंग से कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम लोगों ने वो किया था, क्या नाम है, एनपीएम इनिट किया था, कमांड लिखी थी एनपीएम इनिट की, जी ठीक है सर। उसके अंदर फिर हम लोग ने उसने पूछा था, क्या नाम है, इसमें वो पूछा था, पैकेज नेम पूछा था, तो हमने वहाँ पे एंटर किया था, फिर वर्जन आया था, फिर हमने एंटर किया था, डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा, मैंने लिखा था सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट। उसके बाद एंट्री पॉइंट आया था जिसमें इंडेक्स डॉट जे एस आया था कॉमे में, वो ब्रैकेट के अंदर, उसके उधर एंटर किया था। टेस्ट कमांड आई थी, फिर वहाँ पे एंटर किया था, गिट रेपोजिटरी आई थी वहाँ पे एंटर किया, देन कीवर्ड्स आया तो वहाँ पे एंटर किया, ऑथर में मैंने अपना नाम लिखा अब्दुल्ला, और फिर लाइसेंस में हम लोगों ने MIT लिखा था। वाह जी वाह, और बताओ बताओ, सही बता रहे हो तो मैं तो काफ़ी शौक हूँ सर उसामा, माशाल्लाह से आपके स्टूडेंट्स तो आपके साथ साथ काफ़ी सिंग होके चल रहे हैं, बताए हाँ सर बताए। माशाल्लाह जी कंटिन्यू करें। जी सर, उसके बाद हम लोगों ने फिर कोड स्पेस डॉट लिखा, और फिर हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया था जिसके अंदर हम लोगों के पास ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ गई थी। ठीक है, ठीक है सर, और उसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट में आके TSC स्पेस माइनस माइनस इनिट लिखा था। उसके बाद हम लोगों के पास विजुअल स्टूडियो कोड में ये TS config.json की फाइल आ गई थी। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, उसके बाद हम लोगों ने टारगेट में TS config.json की फाइल खोली थी जिसके अंदर टारगेट जो पहले से था वो ES 2016 लिखा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने 2022 किया था उसको। सर और फिर हम सर लोग फाइल भी खोल लेंगे जो बता रहे हैं, जिस फाइल के बारे में सर उसामा, जी जी दिखा देता हूँ ये जो फाइल के बारे में बता रहे हैं ये भी खोल लें। हाँ अच्छा, ये। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर हमने टारगेट जो है लाइन नंबर 14 पे लिखा हुआ है, इसको हमने वर्जन बढ़ा दिया था इसका। जी सर, और उसके बाद हम लोग नीचे आए थे मॉड्यूल में, यहाँ पे शायद पता नहीं क्या लिखा होता है, भूल गया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको नोड नेक्स्ट किया था कैमिल ये केस लाइन में। नंबर 28 की बात कर रहे हो ना, लाइन नंबर 28। जी सर, लाइन नंबर 28 की। अच्छा उसके बाद जो मोड रेजोल्यूशन लिखा हुआ है पहले से कमेंट हुआ हुआ था जिसका हम लोगों ने कमेंट हटा के और इधर नोड नेक्स्ट लिखा था वही ऊपर वाला। ये लाइन नंबर 30 बता रहा हूँ, नो इस पर हमने कमेंट जी हटाया, मतलब डबल स्लैश जो शुरू में लगे हुए थे वो मिटा दिए और आगे हमने नोड नेक्स्ट लिख जी दिया, तो सर 3 चेंजेस हमने इस फाइल में करी हैं। जी। जबरदस्त, और बताए। उसके बाद सर हम लोगों ने क्या, मैं वो क्रोम पे गए थे, क्रोम पे जाके हम लोगों ने ये वाली वेबसाइट खोली थी NPM, एक सेकेंड, NPM इंक्वायरी की फाइल खोली, वो खोला था, ठीक है सर्च किया था, उसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास वेबसाइट आई थी वो ओपन की थी वहां से। असल में मुझे जहाँ तक समझ में आया कि NPM एक लाइब्रेरी है जो पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद है, उसको यूज करके हम उसको हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। एमकेएम समझ ले, दुकान है लाइब्रेरी, उसके पास बहुत सारी लाइब्रेरी है। सही जी ठीक है है, तो हमने उससे इंक्वायर खरीद लिया, मतलब फ्री में ले लिया, फ्री में दिया उसने, खरीदने से मुराद मंगवा लिया, जी सर मंगवाने के लिए ये कमांड यूज करिए, npm install inquirer। जी सर सही है NPM सही इंस्टॉल है, जिसमें हम लोग आई भी लिख सकते हैं और इंस्टॉल भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं, शॉर्टकट है और एक फुल फॉर्म है। सही है, जी सर, और और बताएं। उसके उसके बाद हम लोगों ने main.ts की फाइल बनाई थी जिसमें शायद यही हुआ, इंपोर्ट इंक्वायर फ्रॉम इंक्वायर किया था, फर्स्ट लाइन जो लिखी थी हम लोगों ने।
मैं खोल देता हूँ कोड बिल्कुल। तो आप ये बता ये रहे हैं लीजिए, हमने index.ts में टॉप से लेके, अच्छा ये हमने इंपोर्ट करा था, ये क्या बता रहे हैं आप? जी सर, लाइन नंबर वन, ठीक है जी सर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक कांस्टेंट का वेरिएबल बनाया था जिसमें आंसर के नाम से एक वेरिएबल था, और उसमें हम लोगों ने अवेट इंक्वायरी डॉट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब कि हम यूजर से जो आउटपुट लेना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर इनपुट और लेना सेकंड चाह रहे नंबर, हैं इनपुट। ठीक जी सॉरी इनपुट। और उसके अंदर हम लोगों जी ने क्या नाम है एरे बनाया था एक, जिसके अंदर हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट के अंदर तीन मैसेजेस टाइप किए थे। एक मैसेज में हम लोगों ने लिखा था एंटर फर्स्ट नंबर, जिसकी टाइप होगी नंबर, और उसका हम लोगों ने नेम दिया था फर्स्ट नंबर का। उसके बाद इसी तरह से सेकंड में उसको मैसेज दिया, और फिर सेकंड नंबर उसकी भी टाइप नंबर थी, और उसका जो नेम है वो सेकंड नंबर है, ठीक है। वो तीसरे ठीक वाले है। में तीसरे वाले में सर वही किया, उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग में लिखवाया सिलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर टू परफॉर्म एक्शन, जिसकी टाइप होगी लिस्ट, लिस्ट में ऑपरेटर्स के ऑप्शन आएंगे हमारे पास, नेम उसका ऑपरेटर था, और चॉइसेस में सर ये चॉइसेस में जो हम लोगों ने ये ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये एरे जिसमें हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जी डिवीजन लिखा। जी हाँ। अच्छा ये जो जी एरे का नाम यूज कर रहे हैं ना अब्दुल्ला काशिफ, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो एरे का मतलब समझे लिस्ट होता है ना। आप कोई वो लेते हैं बिस्किट का डब्बा खोलते हैं, आप बिस्किट के डब्बे में लाइन से बिस्किट रखे होते हैं बहुत सारे, उसको हम दूसरी जबान में बोलते हैं लिस्ट, मतलब लाइन से रखे हुए। तो ये समझ लें जो कर्ली ब्रैकेट है ना ये सारे बिस्किट हैं, और जो बड़ा वाला ब्रैकेट है जिसको हम जिसको नाम अभी एरे का यूज कर रहे हैं, सही है, ये हमारे पास है बिस्किट का डब्बा, सही। एक डब्बे में बहुत सारे बिस्किट हैं, जितने बिस्किट हैं उतने इनपुट हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें ये आपके पास इंक्वायरर है, इंक्वायरर के पास एक बड़ा वाला ब्रैकेट है जिसको हम एरे बोल रहे हैं या लिस्ट बोल रहे हैं, लिस्ट बोल रहे हैं आप, लिस्ट ज़्यादा बोलना ज़्यादा आसान है। उस लिस्ट के अंदर तीन चीज़ें, तीनों चीज़ें कर्ली ब्रैकेट में रखी हुई, पहला हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, दूसरा सेकंड नंबर ले रहे हैं, तीसरा हम ऑपरेटर ले रहे हैं। ठीक है बताएं बताएं, कंटिन्यू करें। अच्छा सर तीसरे वाले उसके में हमने क्या करा है, जैसे हम आइसक्रीम खरीदने जाते हैं ना चॉइस होती है, तो पहले वाले में तो हमने बोला कोई भी नंबर बताओ, दूसरे वाले में हमने कहा कोई भी नंबर बताओ, तीसरे वाले में हमने कहा कोई भी नहीं बताओ बल्कि चार ऑप्शन दे रहा हूँ इनमें से कोई एक बताओ, क्योंकि कैलकुलेटर बना रहे हैं ना, जाहिर सी बात है चार ही ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं ना अगर हमने ऑप्शन नहीं दिए तो अगला बोलेगा भाई मुझे तो कुछ और ही फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ हमने बोला भाई चार में से कोई एक चूज करो, तो यहाँ हमने चॉइस दे दी। अब चॉइस करते हुए भी हमने एक लिस्ट दी है, लिस्ट में से कोई एक एक चूज कर लो, एक बताया नीचे आ जाए कंडीशन स्टेटमेंट। जी सर, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने यूज़ की, जैसे हम लोगों ने कहा इफ आंसर डॉट ऑपरेटर जो है उसकी टाइप और क्या नाम है उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू एडिशन हो, तो हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, आंसर जो होगा वो फर्स्ट नंबर प्लस आंसर जो होगा उसके अंदर सेकंड नंबर प्लस करके प्रिंट करवाएंगे, ठीक सही है, आपने ये कहा है कि अभी आंसर क्या आई है, आंसर कहाँ से उठा रहा है ये सर। वो एएन। आंसर का वेरिएबल बनाया था ना ऊपर कॉन्स्टेंट, अच्छा ऊपर दिखाया सर ये वाला, अच्छा तो यहाँ से आंसर आ रहा है, हर जगह हमने आंसर आंसर लिखा हुआ तो ऊपर हमने बनाया हुआ, नीचे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ गया जी सर होता है ना सम टाइम बर्गर वाला एक अपने पास डब्बे में एक वो बना लेता है, फॉर सपोज हम ये देख लेते हैं कि एक काउंटर है, सही है, उस काउंटर के ऊपर आप जो ना जाकर वो खरीद रहे हैं टिकट खरीद रहे हैं, तो काउंटर का नाम जो हो गया वो आंसर हो गया। अब उस काउंटर के अंदर जो वो बने हुए मतलब अलग अलग डब्बे बने हुए वो आपके नाम हो गए, ऐसा ही है ना। तो आपने कहा आंसर के अंदर जाओ पहले ऑपरेटर में जाओ, तो आंसर के अंदर ऑपरेटर जी क्या कर सर। रहा है, आंसर तो ऊपर है ऑपरेटर कहाँ है। सर ऑपरेटर तो वो ये क्या नाम है कहा गया ये वाला जो हमने थर्ड मैसेज जो टाइप किया था शायद अच्छा इसमें जो लाइन नेम नंबर नाइन ऑपरेटर पे दिया ऊपर होता ऊपर है। ऊपर, ओ अच्छा यहाँ से उठा रहा है, अच्छा ये नाम पढ़ रहा है, तो आपने कहा ऊपर जी सर आंसर के अंदर ये तीनों नाम है, तीन नाम है, एक का नाम है फर्स्ट नंबर, दूसरे का नाम है सेकंड नंबर, तीसरे का नाम है ऑपरेटर। आपने कहा जी आंसर के सर अंदर, वो फर्स्ट नंबर के अंदर जो है वो प्लस करेगा। सही, आपने कहा आंसर के अंदर ऑपरेटर वाला नाम उठाओ और उसको चेक करो क्या वो एडिशन है, क्योंकि हमने चार ऑप्शन दिए ना, अगर वो एडिशन है तो जी फिर एक काम करो आंसर का फर्स्ट नंबर उठाओ उसमें प्लस करो आंसर का सेकंड नंबर। तो ये आपने लाइन नंबर 15 पे कहा है कि आंसर का पहले ऑपरेटर उठाओ उसको मैच करो, ट्रिपल इक्वल टू का मतलब है मैचिंग, जी मैच करें कि है क्या वो, मैंने आपको डब्बा दिया मैंने खोल के देखो भाई, या मैंने आपको कप दिया मैंने चेक करो उसमें चाय है, चाय या कॉफी है या कश्मीरी चाय, आपने उसको डब्बे को खोला आपने कहा कप को खोला आपने कहा अच्छा इसमें कश्मीरी चाय है या इसमें कॉफी है या इसमें दूसरी हॉट कॉफी है,
तो आपने चेक करा, तो ट्रिपल इक्वल टू मतलब चेक करो इसमें है क्या, तो पहले हमने कहा आंसर का ऑपरेटर उठाओ उसको चेक करो, अगर वो एडिशन है तो फिर क्या करो आप आंसर का पहला नंबर उठाओ उसमें प्लस करो आंसर का सेकंड नंबर, फिर नीचे आपने कहा कि आंसर का ऑपरेटर उठाओ दोबारा उसको चेक करो अगर वो सब्ट्रैक्शन है तो आप आंसर का फर्स्ट नंबर उठा के माइनस कर दो आंसर के सेकंड नंबर को, फिर नीचे आपने कहा आंसर का जो ऑपरेटर है अगर वो मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि चार चॉइस थी ना चार में से कोई एक होगा तो आप क्या करो फर्स्ट नंबर उठा के स्टेरिक से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड नंबर में, फिर आपने नीचे दोबारा आ गया आपने कहा अगर आंसर का ऑपरेटर डिवीजन है मतलब डिवाइड है चौथा ऑप्शन तो आप फर्स्ट नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड, अच्छा डिवाइड के नियम स्लैश यूज करते हैं हमारे पास वाला साइन नहीं होता जो मैथ्स में यूज करते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्लैश का साइन होता है, फिर सबसे लास्ट में हमने सिंपल ऐसी मैसेज रख दिया कि अगर कुछ नहीं हो तो भाई यहाँ पे एक इस तरह का ना कोई एरर दे दो भाई यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, सब यूज होता है ना समटाइम चारों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा यूजर ने, यूजर बोला मैं तो चारों में नहीं चाह रहा तो फिर ये ऑप्शन है ऐसा ही अब्दुल्ला जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने अंदाज में बताया ना आप अच्छा बता रहे अच्छा सर यहाँ पे सबसे ये सेकंड लाइन नंबर 17 में फिर हम लोगों ने उससे कहा कि और अगर ऐसा हो कि आंसर डॉट ऑपरेटर जो है वो सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो जाए तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे क्या नाम है वही रहेगा सब कुछ बस उसके अंदर जो है वो माइनस हो जाएगा, फर्स्ट वाली में प्लस था और अब माइनस हो जाएगा, इसी तरह से जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिविजन करेंगे। जबरदस्त भाई काशिप भाई आपके नींद में क्लैपिंग अब्दुल्ला काशिप एक बार अपनी शक्ल दिखा दो आपने जो एक्सप्लेन करा ना एक घंटे में समझ के एक बार कैमरा खोल के शक्ल दिखा दो सर ताकि मेरा कैमरा ठीक नहीं है वरना दिखा देता। अरे चलें चले अब्दुल्ला कोई शर्मा रहे हैं आप, चले कोई बात नहीं आप कौन सी क्लास में, आपने क्लास टाइमिंग बताया मैं पर्सनली आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह सर मैं थर्सडे 7 to 10 थर्सडे वेनेसडे फ्राइडे, अच्छा थर्सडे 7 to 10 अच्छा आपकी क्लास में लास्ट टाइम हमने अच्छी एक एक्टिविटी भी करी थी आपकी क्लास, सही है जी सर सही है अमीन भाई। तो अब ये जी सर कि अब सबने ये कोडिंग करनी है खुद, हम इनको कोड नहीं देंगे, देख लिया ना स्क्रीन पे, और सब एक दफा अगर समझ में ना आए तो 10 दफा वीडियो देखो यार, कोई पाबंदी थोड़ी है। अब हमारी अगली क्लास कब होगी अमीन भाई? सर इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मंगल को हमारी अगली क्लास होगी मतलब ट्यूसडे, और सेम टाइम पे होगी 11 बजे, और अच्छा, उसमें मंगल क्या के बाद करेंगे दोबारा होगी जुम्मे इसको को, हम एनपीएम पे पब्लिश करना सीखेंगे इसी को। ठीक है सर मतलब हम अपना टूल दुनिया को जैसा भी हमने कहा एनपीएम से हमने किसी और की चीज मंगा के इस्तेमाल करी, अब आप कह रहे हम अपनी चीज बना के एनपीएम को दे देंगे ताकि दूसरे लोग इस्तेमाल करें यहाँ दुनिया में सब लोग इस्तेमाल कर सके। अच्छा तो सब ने ये कोडिंग शुरू करनी है और क्या कहते हैं इसको बार बार देखें, मैं तो इतना ही करता था, मेरे पास तो जमाने में वीडियो इतने आराम से मिलता भी नहीं था, तो मैं तो वीडियो में सबसे बड़ी खूबी होती है 20 दफा भी देख लेना आदमी, और स्लो करके भी देख सकता है फास्ट करके भी देख सकता है जो मर्जी करे। तो इंशाल्लाह ट्यूजडे को 11 बजे मुलाकात रहती है, कोई सबने कुछ ऐड करना है? बस याद रखें सर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को मिला करेंगे, मंगल एंड जुम्मा 11 बजे, मंगल एंड जुम्मे को मिला करेंगे 11 बजे रात को, और प्रोग्रामिंग किया करेंगे आप, इसलिए हमने बीच में गैप दिया है ताकि आप लोग प्रोग्रामिंग कर सकें। बिल्कुल सर, इसमें हमने एक तो अभी बनाया हमने इस प्रोजेक्ट को, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको पब्लिश भी करेंगे और एनपीएक्स कमांड भी बनाएंगे, जैसे हमने एनपीएक्स फायरक्विज लिखा था कि हम अपने सिस्टम में कहीं पे भी एनपीएक्स कमांड लिखें और ये एप्लीकेशन चल जाए जस्ट लाइक एप्लीकेशन जैसे चलती है, हम इसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे और हम ये चौक वॉक से इसका जरा सा कलरफुल भी बनाएंगे इसको। बिल्कुल सर, इसको कलरफुल बनाएंगे और इसको थोड़ा बेहतर कर लेंगे अभी, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट हैंड में तो इसको एक्सपीरियंस करना था, तो इंशाल्लाह हम इसको फाइनलाइज कर रहे होंगे तो इसकी चौक से इसको खूबसूरत भी कर लेंगे और पब्लिश भी कर देंगे और इसकी कमांड भी बना देंगे एनपीएक्स से। फैसल भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक वी आर गुड, काफी डिटेल के अंदर डिस्कशन हुई है, द गुड थिंग इज के स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आया है। मैं भी जो है वो क्वेश्चंस भी देख रहा था, तो क्वेश्चंस जो है वो काफी कल की नस्बत आज काफी बेहतर क्वेश्चंस थे। बिल्कुल सही, जाते जाते उस्मान भाई उसामा भाई एक चीज बताइए, जी सर ये पैकेट डॉट जेसन है, टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन है, मगर इंडेक्स डॉट टीएस है, ये क्या चक्कर है, ये जेसन क्या चीज होती है? हाँ सर ये अच्छा सवाल है आपका,
जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट नोटेशन। बेसिकली हम कोई भी ऐसा कोड एज अ कॉन्फ़िगरेशन या हम एज अ डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसका जो बेहतर फॉर्मेट होता है वो डॉट जेसन होता है। और डॉट जेसन के फॉर्मेट के अंदर एक यही फर्क होता है कि जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी की नोटेशन होती है ये, और उसकी आप जब भी कोई काम करते हैं उसमें की भी हमेशा स्ट्रिंग्स में होती हैं और उसकी जो वैल्यूज जो होती हैं वो भी हमेशा स्ट्रिंग में होती है। अगर आप यहाँ पे आके देखें ये एक जेसन फॉर्मेट है, और जेसन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास की भी स्ट्रिंग में है और हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू बनती है, ये की है अगर मैं की बात कर रहा तो हूँ तो आप ये ये भी कह रहे स्ट्रिंग में हैं कि ये की वैल्यू पेयर होते हैं जेसन में? बिल्कुल सर की वैल्यू पेयर होते हैं जेसन के अंदर, ऑब्जेक्ट की तरह ही होते हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें की भी कोटेड होती है डबल कोट सिंगल कोट में और वैल्यू भी डबल कोट होती है। जबरदस्त जबरदस्त। ओके सर, खुदा हाफिज सबको, इंशाल्लाह मुलाकात रहती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह ट्यूसडे को हाफिज़ मुलाकात रहेगी। बाय।